अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है सर? आप लोगों के पास मैसेज मिला होगा, एक बार चेक करके बताओ। कोई भी जस्ट कंफर्म नहीं कि सर आप लोगों को मैसेज मिला है। है सर। ओके थैंक यू। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो आज का क्लास मंडे वाला इवनिंग वाला, मतलब मंडे इवनिंग मतलब सर बिजनेस लॉ। तो सर बिजनेस लॉ में हम लोग सेल ऑफ गुड्स में थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स चर्चा कर रहे हैं आजकल, तो चर्चा काफ़ी दूर तक चला गया और चलते चलते शायद मुझे जितना याद आ रहा है हम लोग डिलीवरी ऑफ गुड्स के ऊपर बात करना चालू कर दिए थे। मैं काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार। हाँ, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सर। बिजनेस लॉ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बिजनेस लॉ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन बिजनेस पर्पस। जैसे बिजनेस पर्पस में जो बेसिक्स लॉ होते हैं उसमें से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नो डाउट वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, जिसके बिना बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता। एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा अगर कोई दूसरा एक्ट आ जाता है सामने तो नो डाउट सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसके अलावा और भी लॉ है, यू ऑल नो दैट, जैसे कि पार्टनरशिप इज ऑल्सो देयर, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो देयर, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वगैरह भी होता है। बिजनेस लॉ का जो डिटेल्स है बहुत सारी चीज़ें पढ़ाया जाता है, बट मेनली कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप LLP, ठीक है, ये सब सब हार्डकोर बिजनेस लॉ का बेसिक्स एरिया है। अब हम लोग सेल ऑफ गुड्स में डिस्कशंस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं और इसमें आप लोग देख सकते हो स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ, है ना सर? स्क्रीन शेयर क्या रे, स्क्रीन शेयर है या नहीं? यस ओके सर, तो जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर, एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर, पॉइंट बी नोटेड सर, ना? बिकॉज सेल ऑफ गुड्स की मैटर है, तो सेल ऑफ गुड्स में बायर और सेलर के बीच में क्या मतलब क्या एग्रीमेंट बनता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वो भी अलग अलग टाइप में होता है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया प्रीवियस लेक्चर में। अगर बाई चांस किसी का मिस होके रखा है, मेरे से क्लास का लिंक ले लो और एक बार गो थ्रू करके रखो सर। तो उसमें इमीडिएट ट्रांसफर क्या होता है, येट टू बी ट्रांसफर क्या होता है, जिसे हम लोग नॉर्मल सेल और एग्रीमेंट टू सेल के और डिफरेंस भी माने जाते हैं। मतलब इमीडिएट ट्रांसफर मतलब होता है सेल, और येट टू बी ट्रांसफर का मतलब होता है एग्रीमेंट टू सेल। बट सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल इज नॉट द एग्जैक्ट सेम थिंग, दोनों चीज में डिफरेंस होता है सर, है ना? तो वो भी मैंने डिस्कशंस करके रखा। फिर इसके साथ साथ गुड्स क्या होता है, कितना तरह का गुड्स होता है, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कॉन्टिंजेंट। एग्जिस्टिंग में भी तीन फर्क होता है, स्पेसिफिक, अनसर्टेन, अनसर्टेन। प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, मतलब बायर और सेलर के बीच में प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, है ना? बाइंग सेलिंग में प्राइस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड देर आर ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट लाइक एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक सेल ऑफ गुड्स कैसे कैसे कौन से चीज़ पे एसेंशियल होता है वैलिड होने के लिए, उसके बारे में भी डिस्कशंस रहा है सर, है ना? ये क्या आ गया, पता नहीं ये क्या, एक स्क्रीन में एक सेकेंड। ओके, अच्छा, तो जैसे लास्ट दिन जिस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कशंस कर रहे थे, जैसे कंडीशन एंड वारंटी, ये भी बहुत वाइटल एक डिस्कशन था, है ना? सेल ऑफ गुड्स में कंडीशंस एंड वारंटी का डिस्कशंस, ये भी बहुत वाइटल डिस्कशन था कि सेल में कंडीशंस भी होता है और वारंटीज भी होता है। तो ये कंडीशंस क्या होता है, वारंटी क्या होता है, सेक्शन वाइज डिस्कशंस हो चुका है सर, बहुत वाइटल पार्ट है, याद दिला रहा हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ, जरूर गो थ्रू करके रखना सर। क्लास मिस हुआ है तो रिवाइज करना, और अगर क्लास देख चुके हो, सॉरी क्लास मतलब मिस हुआ है तो फ्रेशली देखना, और अगर रिकॉल करना है तो रिवाइज करना सर, ठीक है? क्या है ना सर, पढ़ने के टाइम पे लॉ जब समझ में आ जाता है तो समझ में तो आ जाता है, पर बाद में अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूलोगे सर, ठीक है? इसलिए प्रैक्टिस मस्ट। एग्जाम में सक्सेस होने का एक ही तरीका होता है सर, प्रैक्टिस। ओके, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग एंड देन प्रैक्टिस। विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस का कोई काम नहीं सर, विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस तो कर ही नहीं पाओगे। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए एंड सेकेंड थिंग प्रैक्टिस
प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए, ये दोनों चीज होता है सर, की टू सक्सेस। ऐसे आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढोगे की टू सक्सेस, हाउ टू बिकम अ सक्सेस, बहुत लोग बहुत कुछ सुंदर सुंदर करके बोलते हैं, है ना। बट मैंने जितना समझा, सक्सेस का एक ही कॉन्सेप्ट है सर, वट एवर यू वॉन्ट टू बी, आप जो भी बनना चाहते हो पहले उस चीज को समझो और फिर प्रैक्टिस में लग जाओ, बस यही है। जो भी चीज करना चाहते हो, बनना चाहते हो, होना चाहते हो, समझो पहले, उसके बाद बस प्रैक्टिस करते रहो, बस वही एक चीज है, बाकी और कोई चीज नहीं है सर, मुझे जितना समझ में आया सर। अच्छा, ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे सर, ज्ञान देके फायदा नहीं है, है ना, ये फ्री का ज्ञान अच्छा भी नहीं लगता है। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स में मैंने लास्ट वीक डिस्कस कर रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पासिंग ऑफ रिस्क, ये तीन इंपॉर्टेंट मैटर भी बात किया था, कि प्रॉपर्टी पास होना जरूरी होता है सर, सेल में प्रॉपर्टी पास होना जरूरी होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन थ्री स्टेज, तीन स्टेज में ओनरशिप ट्रांसफर होता है, जिसमें प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना, गुड्स का डिलीवरी होना और रिस्क को पास करना। जैसे आप लोग शायद, मैंने फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लिया होगा, कैसे फ्लिपकार्ट आपके घर में डिलीवरी करते हैं, नॉट जस्ट फ्लिपकार्ट, चाहे कोई भी चीज़, आजकल ऑनलाइन डिलीवरी कंपनीज बहुत हो गया है सर, जोमेटो, स्विगी, है ना। तो गुड्स डिलीवरी कंपनी आज के डेट में बहुत आए, और हर किसी को ऑनलाइन, मतलब बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन में गुड्स का डिलीवरी का बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए हैं, है ना। जैसे गोडेडी का, गोडेडी बोल के कंपनी है ना सर, जो डोमेन बेचता है, उसका एक एडवर्टाइजमेंट भी आता है, बड़ा अच्छा एडवर्टाइजमेंट मुझे लगता है, बोलते हैं कि जो ऑनलाइन नहीं ले आता है वो हमेशा इनविजिबल रह जाता है। इनविजिबल मतलब जिसको लोग देख नहीं पाता, जरूरी नहीं कि सर ऑनलाइन नहीं आएगा तो नहीं होगा, बट अगर ज़्यादा लोगों के पास पहुँचना है तो ऑनलाइन भी एक तरीका है, और नॉट जस्ट ज़्यादा लोग, अगर आप अपना बिजनेस को सिर्फ ऑनलाइन में रख के करना चाहते हो तो भी कर लोग कर रहे हैं, तो ये सब तरीका तो आ गया है ना सर। और उसमें ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स। ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स का डिलीवरी होना, और नॉट जस्ट इन ऑनलाइन बिजनेस, डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑफलाइन में भी है, है ना। गुड्स डिलीवरी आप दुकान में जाके उठा के लेके आओ, या फिर ऑर्डर करो और दुकानदार आपके घर में पहुंचा दे, जो भी हो, डिलीवरी ऑफ गुड्स तो है, लेकिन रिस्क का मैटर सर, लीगल मैटर, अगर नहीं पहुंच जाता है, सिंपल बात है, लॉ कहाँ जरूरत पड़ता है। अच्छा, लॉ का याद कब आता है, लॉ का याद तब आता है जब बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना। प्रॉब्लम कब है, लॉ का जरूरत क्यों है सर, ऐसे ही लॉ पढ़ लेंगे क्या, बिना रीजन का लॉ थोड़ी ना पढ़ा जाता है। इवन नॉट जस्ट इवन, हम लोग जब सोसाइटी का जो सामाजिक नियम होते हैं, नियम का जरूरत कब पड़ता है, जब हमें लगता है कि ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तब हम लोग जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से जो भी हमारे गुरु होते हैं, है ना, उनको जाके हम लोग पूछते हैं, मतलब चाहे ब्राह्मिनिकल कॉन्सेप्ट में हो या जो भी अपने अपने कल्चर के बेसिस में, जो भी समाज में बड़े होते हैं और नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, उनको जाके पूछते हैं, अच्छा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो क्या करना चाहिए, ठीक है, कैसे शुद्धिकरण करें, कैसे क्या करें। तो ब्राह्मीण अपने हिसाब से बोलते हैं कि ये पूजा करो, वो पाठ करो, इस मंत्र का जप करो तो आपको अच्छा होगा, है ना, आपको शांति मिलेगा। जब डॉक्टर सब फेल हो जाते हैं तब लोग क्या करते हैं, कुछ तो सोचते हैं। तो एग्जैक्टली मैं बस कहना यह चाहता हूँ कि ये जो नियम का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड मैटर हो या फिर सामाजिक मैटर हो, नियम का जरूरत तब पड़ जाता है ज्यादातर केस में प्रॉब्लम होने से क्या होगा। अच्छा, प्रॉब्लम से पहले भी नियम का जरूरत होता है कि हर एक काम को अच्छे से करने के लिए, वो भी एक कारण है कि अच्छे से नियम बनाओ और उसको फॉलो करो, ये भी एक जरूरी चीज है। तो वही बात है सर कि ये सब पढ़ने के पीछे का रीजन मैं आपको थोड़ा सा बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि नियम क्यों जानना है, ताकि डे टू डे वर्क अच्छे से हो जाए और प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उसका सोल्यूशंस भी निकल जाए। अच्छा, हम लोग बहुत सारे पॉइंट में डिस्कस कर चुके थे, जैसे स्पेसिफिक और अनसर्टेन गुड्स डिलीवरी करने का कॉन्सेप्ट क्या था, अनसर्टेन गुड्स का कॉन्सेप्ट क्या था, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस, ये बहुत वाइटल एक पॉइंट था सर, ये सभी पॉइंट बहुत वाइटल था। गुड सेंट ऑन अप्रूवल, इसका अकाउंटिंग एक चैप्टर भी होते हैं, आप लोग शायद क्लास 11 में इसके बारे में पढ़ते हो, इवन सी ए फाउंडेशन, सी एम ए फाउंडेशन पे भी इसके बारे में, इवन किसी किसी केस में इंटरमीडिएट लेवल में भी इसके बारे में बोला जाता है, गुड सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न।
सुने हो कि नहीं सुने? मतलब जैसे कि कंपनी आपको गुड्स दे रहा है और बोल रहे कि या तो अप्रूव कर लो, अगर अप्रूव नहीं होगा तो रिटर्न हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता सर रियल लाइफ में? अरे ऐसा होता है कि नहीं होता? अरे कोई तो बताओ। हाँ या ना, हाँ सर, है ना सर, वही बात कर रहा है सर। तो ये सब चीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी है और इसका लीगल कॉन्सेप्ट भी है सर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल, इसके बारे में भी मैंने लास्ट दिन डिस्कशन किया। तो सर लास्ट दिन का डिस्कशन बंद करो, न्यू डिस्कशन करो। ओके सर, लास्ट दिन का डिस्कशन बंद करते हैं, न्यू डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ सर, ज्यादा कुछ नहीं। जैसे ये एक बहुत बेटर पॉइंट है, सेक्शन 26, रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद प्रॉपर्टी। रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद प्रॉपर्टी, प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्राइमरी, ठीक है। प्रॉपर्टी के साथ साथ रिस्क भी ट्रांसफर होता है। आज बायर, आज जो सेलर के पास है कल वो बायर का होगा, है ना। आज जो सेलर के पास है कल वो बायर का हो जाएगा, है ना। मतलब आज आपके दुकान में सामान है, लेकिन दुकान में जो प्रोडक्ट आपने सजा के रखा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप अपने दुकान में या शोरूम में, ठीक है, दुकान हो शोरूम हो जो भी गोडाउन हो, आपके गोडाउन में जो आज है, मानो आप एक सेलर हो, प्रोबेबल सेलर हो, ठीक है, मतलब सेलर मतलब सेल करने का काम करते हो, तो जो आपके गोडाउन में आज है, तो क्या वो आप खुद के लिए लेके रखे हो, या आपके शोरूम में जो सुंदर करके आपने उसको डेकोरेट करके रखा हुआ है अपने लिए क्या? अरे किसी को बेचने के लिए ना। तो भाई जो आज सेलर का है कल वो बायर का होगा, और जब वो सेलर से बायर पे जाएगा तो साथ में सिर्फ गुड्स ही नहीं, प्रॉपर्टी ही नहीं, प्रॉपर्टी का रिस्क भी ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने बात किया सर, ये रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद दी प्रॉपर्टी, सेक्शन 26। इसी तरह से ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाई नॉन ओनर्स, इसका भी चर्चा आई थिंक कर लिया था, हो गया था सर। नॉन ओनर्स परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेक्शन 31 to 44। अच्छा आई थिंक मैंने 26 तक बताया था क्या? कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? कुछ याद आ रहा है तो बोलो जरा। थिंक ये यहाँ से होगा क्या, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाई नॉन ओनर्स, या नॉन ओनर्स बोल दिया था मैंने। ये भी हो गया था, इफ ए सेल सम स्टोलन गुड्स टू बी हु बाइज देम इन अ गुड फेथ, वी विल गेट नो टाइटल टू दैट एंड द ट्रू ओनर हैज राइट टू गेट बैक हिज गुड्स फ्रॉम मी। हाँ सर ये हो गया था ना, अगर कोई ओरिजिनल ओनर बाद में मिल जाए तो वो क्लेम कर सकता है। यस बोल दिया था सर, ये भी बोल दिया था, ये एरिया भी कवर कर दिया था प्रोविजन 27 का, इसका भी डिस्कशंस कर दिया था, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स 27 से 30 का एरिया था। तो फिर बाकी क्या है? हाँ ये वाला चर्चा है सर, ये वाला परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, याद आ गया मुझे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेक्शन 31 से 44। चलो देखो सर, ध्यान से देखो, अभी रिकॉल रिकॉल खेल खेल दिया हम लोगों ने, अब थोड़ा न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में परफॉर्मेंस कैसे होते हैं, एक एक करके समझने का कोशिश करें। क्या है ना सर, बात करते करते इंपॉर्टेंट बातें डिस्कशंस हो जाता है। तो क्या बोलता है सर, कि बोलता है कि द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंप्लाइज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द सेलर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस फॉर देम बाय द बायर इन अकॉर्डेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सर ये क्या बात हुआ? बहुत सिंपल बात है, यस वेरी सिंपल बात, बट क्या है ना, नियम में सिंपल बात को ही ऐसा करके लिखेगा जैसे आपको लगेगा कि वो सिंपल चीज बहुत बड़ा कोई चीज हो गया। हाँ सर लॉ ऐसा ही है, परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इम्प्लाइज डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स में डिलीवरी ऑफ गुड्स परफॉर्मेंस का मैटर है। आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर किया तो फ्लिपकार्ट आपको डिलीवरी करेगा, सिंपल बात है। तो परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इम्प्लाइज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाई द सेलर, ठीक है। जैसे अगर आप ऑनलाइन से कुछ चीज ऑर्डर कर रहे हो, तो ऑनलाइन का जो भी आपका सेलर है या ऑफलाइन जो भी हो, तो जो भी सेलर है वो जो भी गुड्स आपको डिलीवरी करेगा वो उसका काम है, डिलीवरी करना पड़ेगा उसको, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस फॉर देम बाय द बायर। अब वो सेलर अगर डिलीवरी करेगा तो बायर उसको एक्सेप्ट करेगा, सिंपल बात है, और उसके बदले में प्राइस देगा। अब इसमें एक चीज मुझे याद आ गया, एक एग्जाम्पल याद आ रहा है सर, ठीक है। इन अकॉर्डेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स हुआ था उस तरह से होगा। तो मुझे याद आ रहा है सर, एक छोटा सा कहा, मतलब क्या बोलो सर, कहानी नहीं है किस्सा, ठीक है, कहानी बोलना नहीं चाहिए, किस्सा बोलने से अच्छा रहेगा, किस्से और कहानी में थोड़ा फर्क ना होता है सर। हाँ
बोलते हैं ना किस्से कहानी, तो भाई एक छोटा सा किस्सा है जोमेटो में मेरे एक स्टूडेंट का ही किस्सा है, तो मैं तो सुन के पागल हो गया था जब ऐसा सुना था कि ऐसा भी कोई करता है। तो क्या किया था सर, वो जोमेटो में ऑर्डर किया था फूड, ठीक है शायद मैं पहले भी कभी बोला हूँ बात को, अगर किसी ने दोबारा सुन रहा है तो सुन लो। मानो आपने जोमेटो से कोई भी खाना ऑर्डर किया, ठीक है कोई थाली या कुछ भी, कोई मिठाई, ठीक है मुझे तो सिर्फ बिरयानी ही नजर आ रहा है, आई डोंट नो सर। मानो आप पिज्जा ऑर्डर दिए, ठीक है अब कौन सा कंपनी का ओपन हो रहा है आई डोंट नो, अब मानो कि आप जोमेटो से खाना ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है अब जिसको भी भूख लग गया पिज्जा देख के अपना भूख बर्दाश्त करना सीखो, तो पिज्जा हट से पिज्जा ऑर्डर कर दिए, अब पिज्जा हट वाले जोमेटो के थ्रू से आपके घर में पिज्जा लेके पहुंच गया। पर सर आप देखो सर यहाँ पर पिज्जा हट इज द सेलर, सिंपल बात है सर, हाँ पिज्जा हट सेलर हो गया और जोमेटो पिज्जा हट के बदले आपके लिए सेलर, तो जोमेटो ही है क्योंकि अगर कुछ भी फूड को लेके प्रॉब्लम होगा आप पिज्जा हट को नहीं जोमेटो को पकड़ोगे। अब जोमेटो आपका सेलर बन गया, सेलर के बिहाफ में एजेंट का काम कर रहा है ना, जोमेटो क्या है एजेंट, एजेंसी का काम कर रहा है ना, सिंपल बात है। तो जोमेटो सेलर के बिहाफ में एजेंट बन गया, तो क्या बोल रहा है सर, द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंप्लाइज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द सेलर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस फॉर देम बाय द बायर इन अकॉर्डिंग्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे जोमेटो के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपने जोमेटो में डिलीवरी ऑर्डर किया था, जोमेटो आपके घर में पिज्जा हट से पिज्जा लेके आपके घर में पहुंचा रहा है। मेरे स्टूडेंट ने क्या किया था, जस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे ही जोमेटो वाले डिलीवरी करने के लिए आया बंदा घर से गायब, अब बार बार उसको फोन कर रहा है वो फोन काट दे रहा है। ऐसे एक बार नहीं, एक्चुअली वो है आसपास में ही है, दूसरे के छत से देख रहा है कि डिलीवरी बॉय क्या कर रहा है, उसको सब मजाक लग रहा था। तो ऐसा एक बार, फिर कुछ दिन बाद सेम टू सेम चीज उसने दोबारा किया, आगे क्या हुआ जानते हो सर, आगे बस यही हुआ उस पर्टिकुलर एड्रेस से जब भी कोई ऑर्डर आता है जोमेटो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता है, और क्या करेगा तो बात समझ में आ रहा है सर, मतलब एक बायर का जो ओरिजिनल बायर जो है सर वो क्या करेगा, वो प्राइस पे करेगा और प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा, सिंपल। हेलो आप लोगों को बात समझ में आ रहा है, ये सुन लो यस सर, है ना, इतना तो सिंपल करना, इसीलिए बोले सर सिंपल काम है। लेकिन आप सोचो यही यही सिंपल काम, मतलब जैसे फ्लिपकार्ट वाले आपके घर में आया डिलीवरी करने के लिए, आप डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं कर, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना सेलर की तरफ से, उसका डिलीवरी बॉय का खर्चा, हाँ मैनेजमेंट का खर्चा, बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है तब जाके एक सामान आपके घर पे पहुंचता है। और जब आपके घर पे पहुंचाया या आपके गोडाउन में या आपकी दुकान में पहुंचाया, आप बोल रहे हो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, तो सेलर आपके अगेंस्ट में कुछ कर सकता है जरूरत पड़ने से, है ना। तो डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वॉलेंटरी भी हो सकता है और नॉन वॉलेंटरी भी हो सकता है, बट डिलीवरी का क्या बोल रहे हैं सर, डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फॉर डिलीवरी फिजिकल पोजेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, पॉइंट टू बी नोटेड। अब धीरे धीरे हम लोग काफी वाइटल पॉइंट में जा रहे हैं सर, धीरे धीरे हम लोग काफी वाइटल पॉइंट में जा रहे हैं। फिजिकल पोजिशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्या कह रहा है सर, कह रहा है सर फिजिकल पोजिशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, द बायर शुड बी प्लेस्ड इन अ पोजिशन सो दैट ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट ओवर द गुड्स, क्या बोल रहे हैं समझ रहे हो सर, द बायर शुड बी प्लेस्ड इन अ पोजिशन सो दैट ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट ओवर द गुड्स। जरूरी नहीं कि गुड्स एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर हो, फिजिकल लोकेशन चेंज हो जरूरी नहीं है, बट बायर जो है वो अपना पोजीशंस रख पाए, शुड बी प्लेस्ड इन अ पोजीशन सो दैट ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट ओवर द गुड्स, ताकि उसका जो राइट है बायर का जो राइट है वो अपना राइट पुट कर पाए। बात समझ में आ रहा है सर, हेलो बोलो, मतलब अगर मानो फ्लिपकार्ट के साथ आपके साथ जो भी डील हुआ है, मैं फ्लिपकार्ट वगैरह का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ बार बार, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अब फ्लिपकार्ट के जगह कोई क्लिक कार्ट या जो भी कार्ट हो, ठीक है वट एवर विद कंपनी जिसके साथ आपका डील हुआ हो सकता है, ठीक है
कोई भी आ सकता है आपके साथ डील करने के लिए। बट मैं कहना यह चाहता कि मानो कि जैसे जोमेटो आपके घर में प्रोडक्ट अगर फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट अगर फिजिकल ट्रांसफर का नहीं हुआ है तो हो सकता है कि जोमेटो अपनी ही दुकान में रख रहा है। जैसे मैं कुछ दुकान को जानता हूँ जो ऑनलाइन में डिलीवरी नहीं करता है। आप ऑनलाइन में ऑर्डर दे सकते हो, आप ऑनलाइन में ऑर्डर दे सकते हो। जैसे एक कंपनी है, मैं नाम बोल रहा हूँ आपको, डिलीवरी करता है ये लोग बट रिटर्न जनरेट नहीं करता है। डेकाथलन का नाम शायद आप लोगों में से बहुत लोग सुने होंगे, ठीक है। इन लोगों का ना कुछ टर्म्स कंडीशंस है, मैं सुन रहा था एग्जैक्टली, मैंने कभी हमेशा करके नहीं देखा। ये लोग ज्यादातर केस में स्पोर्ट्स चीजें बेचता है सर, ठीक है। काफी बड़ा बड़ा शोरूम बनाया और काफी रिजनेबल कॉस्ट में स्पोर्ट्स प्रोडक्ट सेल करता है। तो इन लोगों का ना कुछ पर्टिकुलर टर्म्स कंडीशंस है कि मानो कि आप ऑनलाइन में कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किए हो, से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक्सेसरीज, स्पोर्ट्स एक्सेसरीज मानो स्विमिंग के लिए हो या वट एवर ट्रैक पैंट या जो भी हो, आपने मानो ऑर्डर किए और ऑर्डर करने के बाद आप डिलीवरी, मतलब आपको बेसिकली डिलीवरी नहीं करेगा वो, ऐसे ही कुछ कंडीशंस लगा के आप ऑर्डर कर दिए, तो ऑर्डर हो गया, पेमेंट हो गया, आपका बस इतना काम रहेगा आप जाओ स्टोर से जाके आप पिकअप करके लेके आओ। ऐसा कॉन्सेप्ट जोमेटो वगैरह भी देता है कि पिकअप फ्रॉम द स्टोर, देता है कि नहीं देता सर? अरे पिकअप फ्रॉम द स्टोर मतलब ऑर्डर करके आप स्टोर से पिकअप करोगे, ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है? आप लोगों को एक्सपीरियंस है इसका? मैंने तो इस सिमिलर कॉन्सेप्ट मैंने जोमेटो में या उबेर ईट्स बोल के होता था उसमें करता था, काफी बहुत दिन पहले का बात है कि ऑर्डर कर दिया। यस सॉम्बन गुड इवनिंग। तो मैं क्या करता था, ऑर्डर कर देता था रास्ते में और आने के टाइम पे जस्ट दुकान से पिक करके लेके आता था। तो कहने का मतलब बस इतना है कि फिजिकल पोजिशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब एक जगह से दूसरे जगह में डिलीवरी हो या वो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट द बायर शुड बी प्लेस्ड इन द पोजीशन सो दैट ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट ओवर द गुड्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत सारे केस में कोई मशीन बिग सेल होता है तो मशीन एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है, तो मशीन अपने जगह में ही रहेगा लेकिन सेलर बायर को बेच दिया तो बायर वहां से अपना जो राइट है गुड्स के ऊपर वो राइट को एक्सरसाइज करेगा। बस ये कहना चाहता है सर। बोलो सर, आप लोगों को ये डेफिनेशंस में कोई डाउट है क्या? डाउट हो तो पूछ लो सर, क्योंकि बहुत आगे आगे का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी डाउट सर? हेलो सर, अब जस्ट फॉलो करो सर, आगे देखो। अच्छा दस इफ द पोजीशन इज टेकन थ्रू अनफेयर मीन्स, अच्छा पोजीशन अगर कुछ अनफेयर करके, कोई अनफेयर मीन्स करके अगर ले लिया तो देयर इज नो डिलीवरी ऑफ गुड्स। Delivery of goods sold may be made by doing anything which the parties agree. Delivery उस हिसाब से होना चाहिए जो दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि Decathlon जैसे स्पोर्ट्स कंपनी, मानो कि आपको कोई स्पोर्ट्स एक्सेसरीज खरीदना है लेकिन आप इसमें ऑनलाइन में ऑर्डर कर दो, ऑनलाइन में ऑर्डर करने के बाद वो आपके घर में डिलीवरी नहीं करेगा बट आप स्टोर में जाके पिक करके लाओगे, तो ऐसा कॉन्सेप्ट में अगर आपके साथ कंपनी का डील होता है तो डील ओके है, नो प्रॉब्लम। या फिर आप बोलते हो कि नहीं मुझे मेरे घर में डिलीवरी चाहिए, ठीक है, और जो डिलीवरी चार्जेस है वो कंपनी हमसे लेगा, ये भी कंडीशन हो सकता है। तो जो भी कंडीशन आपके साथ आपके बिजनेस बायर के बीच साथ सेलर का होगा वो पर्टिकुलर मैटर हो सकता है। वी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज एग्रीज शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी और पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर और ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। मतलब अब देखो लॉ में और एक बात कर दिया, सेल हुआ है कि नहीं हुआ है बायर तो एक्सेप्ट करेगा। अच्छा बायर अगर खुद एक्सेप्ट ना करे तो बायर के बिहाफ में बायर का कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन उसे एक्सेप्ट कर सकता है। अगर बायर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बायर के बिहाफ में बायर का कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन उसे एक्सेप्ट कर सकता है। अब सर अगर आप बोलोगे सर नॉर्मल ऑनलाइन डिलीवरी के किस में कौन किसको ऑथराइज करेगा, सर वो तो बाय डिफॉल्ट है कि घर पे किसी को भी आप देके आ सकते हो, लेकिन जब बड़े बड़े बिजनेस डील होता है ना जिसमें मानो करोड़ों का सामान है, ठीक है, मोर देन करोड़ का प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट है तो फिर एक करोड़ का प्रोडक्ट अगर सेलर अपने ट्रांसपोर्ट एजेंट को बोलेगा कि भाई तुम बायर को डिलीवरी करो, तो अगर बायर नहीं है तो ऑब्वियसली बायर के बिहाफ पे कोई तो होगा जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा, हा? बिल ऑफ लैंडिंग, रेलवे रिसिप्ट, कुछ तो होगा जिनके हाथ पे सेलर या ट्रांसपोर्टर गुड्स को डिलीवरी करेगा।
इसलिए कह रहा है सर shall be treated as delivery or putting the goods in the possession of the buyer of any person authorized to hold them on his behalf. लॉ कितना क्लैरिटी से बात कर रहा है देखो, अब लॉ को तो क्लियर बात करना पड़ेगा क्योंकि अगर आगे जाके कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, किसी भी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट होता है, बाद में बोलेगा नहीं बायर के हाथ में नहीं दिया, किसी और के हाथ में दिया, तो जो किसी और के हाथ में जो डिलीवरी हुआ है वो कौन है? जैसे आपको मैं आज का ही मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस जस्ट अ फ्यू आवर्स बैक। जैसे आप लोग जानते हो कि हम लोग किसके थ्रू से क्लास करते हैं सर, हम लोग किस ऐप के थ्रू से क्लास करते हैं बोलो ना? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो एक्चुअली रिसेंटली मैम के साथ एक प्रॉब्लम हुआ है, मैम का कोई कॉस्टिंग का क्लास, आप ही लोगों में से किसी का मे बी फॉर इंटरमीडिएट और फाइनल, तो एक क्लास उसका रिकॉर्डिंग मैम ने ऑन किया था, ठीक है, रिकॉर्डिंग हुआ है सर, ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है, पर जो स्क्रीन शेयरिंग हुआ था ना सर, जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स कर रहा था स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू से, बट जब ओरिजिनल रिकॉर्डिंग सेव हुआ तब उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग तो है पर स्क्रीन शेयरिंग जो है वो मिसिंग है। अब मैंने माइक्रोसॉफ्ट को मैसेज किया, तो माइक्रोसॉफ्ट कैलिफोर्निया से, उन लोगों का जो हेडक्वार्टर है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, मैंने पहले ईमेल किया, फिर वो लोग मेरे को ईमेल करके पूछा क्या हम लोग कॉन्फ्रेंस में बात कर सकते हैं, तो फिर कॉल किया मुझे, मैं नंबर प्रोवाइड कर दिया था, तो मुझे अभी शाम को कॉल आया था माइक्रोसॉफ्ट से, तो मैं उनको बस यही बोल रहा था कि मेरा जो ये वीडियो शेयरिंग का इश्यूज हुआ है इसको रिजॉल्व कर दीजिए। तो पहले वो लोग बात को समझ नहीं पाया, तो फिर मेरे को बोला कि हम लोग एक ऑनलाइन में मेरा जो, जैसे आप लोग स्क्रीन को देख पा रहे हो तो वैसा ही मेरे को एक टीम शेयरिंग, मतलब एक शेयरिंग एक होता है सर वो माइक्रोसॉफ्ट का ही, क्या एक नाम है मैं भूल जा रहा हूँ, यहीं पर मिलता है, तो ऐसे ही एक शेयर करने के लिए बोला, लेकिन उसमें कंट्रोलिंग उनके हाथ में नहीं रहेगा, मेरे हाथ में ही रहेगा, और जैसे होता है स्क्रीन शेयरिंग। अब मैंने स्क्रीन शेयर किया तो उन्होंने मेरा पूरा प्रोसेस देखा, सब कुछ देखा, फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरा ये जो प्रॉब्लम हुआ है ये कुछ टेक्निकल कारण से हुआ है, लेकिन उन्होंने मेरे को एक सवाल किया, मैं क्यों ये बात करना चालू किया, उन्होंने मुझे पूछा कि माइक्रोसॉफ्ट टीम, मतलब ये जो टीम ऐप है, ये टीम ऐप कौन यूज कर रहा था, मतलब ये जो रिकॉर्डिंग हुआ है ये रिकॉर्डिंग किसके थ्रू से हुआ है, अब बात समझ रही नहीं, तो यूजर कौन है? तो मैंने बोला कि मैम यूजर है, तो फिर उन्होंने सारा डॉक्यूमेंटेशन लिया, अगर जो यूजर्स है वो अगर आउटसाइडर है तो इन दैट केस में भी वो लोग रिस्पॉन्स ना भी कर सकता है, मतलब जैसे आपको मैं बोल रहा था ना कि बायर कौन है, अगर बायर रिसीव नहीं करके कोई दूसरा पार्टी जो ऑथराइज नहीं अगर वो रिसीव करता है तो ये एक सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। इसीलिए क्या जो पर्टिकुलरली माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहा था, जो टीम्स को यूज कर रहा था, क्या वो लाइसेंस होल्डर वाला है, क्या वो ऑथराइज पर्सन है? तो मैं उनको बोला कि मैं ही, मेरे ही अकाउंट से हुआ है तो मैं ही था, तो बोला नहीं आपको ईमेल बताना पड़ेगा जो यूजर्स, तो मैंने नाम बताया, डिटेल्स दिया, तो फिर जाके मैं, उन्होंने बस मुझे इतना बताया कि इट्स अ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, यू हैव टू से इट क्लियरली, तो मैंने जैसे उन्होंने बोला तो मैंने उनको बता दिया। तो मैं बस यही कहना चाहता कि जब टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, बड़ा बड़ा केस बन जाता है सर, जैसे ये एक नॉर्मल आप लोगों का क्लास है, ठीक है, जिसको जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं कर पाया वो उसको रिवाइज करेगा, या फ्यूचर में कोई अगर उसको देखना चाहता है तो हम लोगों से लिंक लेके देखते हैं, तो ये क्लास है। लेकिन आप सोचो कितना बड़ा बड़ा मीटिंग होता है बड़े बड़े कंपनीज का, अब अगर बाई चांस वो पर्टिकुलर मीटिंग किसी कारण से उसका रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो गया हो, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएगा? लीगलिटी समझ रहे हो सर आप लोग? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दी मटेरियल वैल्यूएशन, कि एक मीटिंग का कीमत क्या हो सकता है। आजकल बिजनेस का जो जनरल मीटिंग होता है वो भी ऑनलाइन में होता है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब मानो जो मीटिंग हुआ है या जो मीटिंग चल रहा है, अगर उसका सेम टू सेम जो प्रॉब्लम, माइक्रोसॉफ्ट टीम बहुत पॉपुलर है क्योंकि लैक ऑफ मतलब गुड सिक्योरिटीज के कारण जाने जाते हैं, जूम से भी, जूम मीटिंग तो है ही बहुत पॉपुलर, बट माइक्रोसॉफ्ट टीम को भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज करते हैं, लेकिन सोचो कि जब लीगलिटी प्रॉब्लम आएगा तब माइक्रोसॉफ्ट किस हिसाब से उसको सॉल्व करेगा, किसी भी मैटर में लीगलिटीज क्रिएट हो सकता है। तो
माइक्रोसॉफ्ट मेरे को मेरा प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया। वो लोग बोला कि वो लोग बेस्ट ट्राई कर रहे हैं मेरे साथ, फिर कल से कल बात करेगा। तुम लोगों के साथ बात करने के टाइम पे मेरा एक ही प्रॉब्लम होता है सर, नॉर्मल इंग्लिश नहीं बोलता है ना, अजीबोगरीब यूएस एक्सेंट में इंग्लिश बोलता है। और आज तो जिसके साथ बात हो रहा था ये कुछ वेस्ट इंडियन टाइप का था, मतलब वेस्ट इंडीज में जैसे थोड़ा सा ना इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। अगर कभी आप वेस्ट इंडियन किसी का बात सुने हो तो मैं तो एक ही चीज उनको 4 बार पूछ रहा हूँ कि रिपीट कीजिए रिपीट कीजिए, बहुत दिक्कत होता है। जो भी हो बट अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, दैट्स द वीक थिंग, है ना सर? समझ रहे हो ना कि कितना सारा प्रॉब्लम हो सकता है? एग्जैक्टली, इसीलिए देखो लॉ क्लियरली बताता है कि बायर भी हो सकता है या बायर का ऑथराइज्ड पर्सन भी हो सकता है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं सर कि डिलीवरी क्या है, इसके बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 कितना क्लियरली बोला आपको कि व्हाट इज डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी का डेफिनेशन दिया। अब आपको आगे बताते हैं सर, डिलीवरी ऑफ गुड्स इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह का डिलीवरी होता है, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब आप बोलेंगे सर ये 3 तरह का डिलीवरी क्या हो सकता है, एक्चुअल क्या है, सिंबॉलिक ही क्या है और कॉन्स्ट्रक्टिव ही क्या है। अब ये जो डिलीवरी का 3 टाइप है ये मैं आपको आगे आगे और बताता हूँ, ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया पर अभी फिर से बता दूंगा सर। अच्छा, ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर, सेक्शन 31। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स एंड ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम। ये ड्यूटी है, बेसिक ड्यूटी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैं आपको मेरा जो स्टूडेंट का कहानी बता रहा था, जो जोमेटो से खाना ऑर्डर किया पर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। बहुत लोग हैं जो देखा फ्लिपकार्ट से चीजें ऑर्डर करके फिर डिलीवरी बॉय को भगा देता है। इसीलिए आजकल कैश ऑन डिलीवरी कम हो जा रहा है, कंपनीज भी बोल रहे हैं कि हम लोग सीओडी में ज्यादा काम नहीं करेंगे। बट अभी भी रखता है इंडिया में क्योंकि सीओडी इज वेरी पॉपुलर, बट सीओडी केस में बहुत प्रॉब्लम देखा जाता है। ऑर्डर करके नहीं, गायब है बायर, गायब। ठीक है, मुश्किल है सर। पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस, ध्यान से देखना सेक्शन 31। पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस, अनलेस अदरवाइज एग्रीड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशंस। दैट इज टू से द सेलर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजेशन ऑफ द गुड्स टू द बायर इन एक्सचेंज फॉर गिव द प्राइस। सेलर शुड बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजेशंस, सेलर को एकदम मन से रेडी होना चाहिए और जो जो गुड्स आज सेलर का है, जो गुड्स आज सेलर का है वो बायर का हो जाएगा। तो वही बोल रहे सर, सेलर शुड बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजेशन ऑफ द गुड्स टू द बायर इन एक्सचेंज फॉर द प्राइस एंड बायर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू पे द प्राइस इन एक्सचेंज ऑफ पोजेशन ऑफ दैट गुड्स। तो पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस, बहुत जरूरी कंडीशंस है, साथ मतलब हैंड टू हैंड चलता है। ठीक है, सेक्शन 32। ओके, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब मैं आपको आगे आगे सारा डिलीवरी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 प्रेस्क्राइब द फॉलोइंग रूल्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्या क्या बोलते हैं सर? देखो, डिलीवरी पार्ट भी हो सकता है, जैसे पार्ट डिलीवरी कहते हैं। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी। अच्छा, इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज भी होता है, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, एक्सप्रेस ऑफ डिलीवरी, सॉरी एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, गुड्स इन पोजिशन ऑफ ए थर्ड पार्टी, डिलीवरी टू कैरियर और वेयर विंगर, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में आपको ये देखने को मिलता है, डिटेरियेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट एंड बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स। इतना सारा मैटर आ सकता है। अब एक एक मैटर पे बात करना पड़ेगा सर, पार्ट डिलीवरी क्या है, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी क्या है, डिलीवरी टू करियर और ट्रांसपोर्टर और वेयर फिंगर क्या है। ठीक है, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी कैसे होता है, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी होगा तो क्या होगा, डिटेरियेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसका जिम्मा कौन लेगा, बायर का क्या राइट है गुड्स एग्जामिन करने का, इंपॉर्टेंट बात है सर। ठीक है, तो सेक्शन 33 कहता है डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच द पार्टीज एग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी फॉर व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशंस ऑफ द बायर और ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड देम ऑन दिस बिहाफ। अब इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल हैज द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन सच गुड्स एज अ डिलीवरी ऑफ द होल
but a delivery of part of the goods with an intention of serving it from the whole does not operate as a delivery of the remainder. Samjhata hun sir. Jaise ki ek example diya hai, certain goods lying at RAF were sold in a lot. Matlab basically ye aapka port mein ek godown type ka concept hota hai, use warehouse kehte hain. So certain goods lying in warehouse were sold in a lot. Usko lot mein sold kiya jayega, becha gaya, theek hai. The seller instructed the warefinger to deliver them to the buyer who had paid for them, and the buyer thereafter accepted them and took away part. Held there was a delivery of the goods. मतलब बहुत सिंपल है. मतलब कोई गुड्स बाहर से आया है, अब उसे लॉट बाय लॉट सेल किया जा रहा है. मतलब बेसिकली मानो कि कैसे बताऊं मैं आपको इसका. इसका मैं डिटेल्स कैसे बताऊं. मानो कि कोई गुड्स अगर लॉट में सेल होता है, आप जस्ट सोचो थोड़ा, ठीक है. जैसे ये देख, चलो एक अच्छा इमेज मिला है. इस इमेज से भी आपको मैं कुछ समझा सकता हूँ, बिल्कुल समझा सकता हूँ. ये एक अच्छा इमेज है सर. जैसे ये पोर्ट का जहां पर सामान खाली होता है, आपको इमेज दिख रहा है ना आप लोगों को. हेलो हेलो सर, बोलो इमेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्क्रीन में. यस सर. अब देखो आप सिचुएशन देखो. मानो ये जो जहाज के ऊपर आपको जो सामान दिख रहा है, जो भी गुड्स आपने ये फॉरेन से इंपोर्ट करके लाए हैं, अब ये मानो कि टोटल ऐसा सिमिलर 5 लॉट आने वाला है, लेकिन आया है एक ही लॉट. आउट ऑफ 5 लॉट ओनली 1 लॉट आज डेली मतलब बेसिकली वेर्फ में आके रखा है पोर्ट में. अब जो भी बंदा इसका बायर है, जिसने भी इसका पेमेंट करके रखा है लॉट का, पोर्ट ऑथोरिटी जो रहेगा या वेरफिंगर जो रहेगा, वो उन्हें ये पार्ट लॉट दे देगा, ठीक है. और इस पार्ट लॉट को डिलीवरी माना जाएगा, भले ही ये टोटल 5 लॉट का सेल ही क्यों ना हो. बट अगर एक लॉट भी पेमेंट हुआ है और उसका एज पर द कॉन्ट्रैक्ट डील हो रहा है, तो उसे भी हम लोग पार्ट डिलीवरी है सर. टोटल तो 5 लॉट का प्रोडक्ट है, बट आउट ऑफ 5 लॉट सिर्फ एक ही लॉट वेर्फ के पास पड़ा हुआ है. तो क्या कह रहा है सर, सर्टेन गुड्स लाइंग एट वेर्फ और पोर्ट वेर सोल्ड इन अ लॉट. The seller instructed the warehouse to deliver them to the buyer who had paid for them, and the buyer thereafter accepted them and took away part. Out of 5 lot, sirf ek lot wo leke jayega. And there was a delivery of the whole. Iska matlab hai ki ye pura ka hi delivery hoga. Matlab basically ye jo concept hai, bhale hi actual delivery ek lot ka hoga, baki lot aana abhi bhi baki hai. लेकिन ये पार्ट डिलीवरी को भी होल डिलीवरी का ही पार्ट माना जाएगा, बिकॉज डील लॉट में हुआ है. ये होता है सर इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी. मतलब इसको माना जाएगा कि सेल कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तभी डिलीवरी हो रहा है. तो इसमें सेलर को पोर्ट अथॉरिटी को या वेयर फिंगर को बोलना पड़ेगा, तभी जाके ये कॉन्सेप्ट वो लिखित देता है रिटर्न में, तब जाके वो पार्ट डिलीवरी को भी होल का ही पार्ट मान के किया जाएगा. समझ में आया ना सर, ये सेक्शन 13 पर है. Buyer to apply for delivery apart from any express contract, the seller of goods is not bound to deliver them until the buyer applies for delivery. देखो, अगर कोई express contract नहीं हुआ है, section 35 क्या कहता है? Express contract मतलब या तो orally बोलो, या तो orally through mobile हो, through telephonic discussions हो, या फिर रिटर्न में, चाहे ईमेल कम्युनिकेशन हो, चाहे फिजिकल लेटर पोस्ट करके हो, जो भी हो. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस मतलब अपनी दिल की बात बोलो, लिख के हो या फिर बोल के. तो अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी. जब तक बायर डिलीवरी के लिए बोलेगा नहीं, तब तक सेलर डिलीवरी नहीं करेगा. लेकिन अगर कुछ लिखा हुआ है कि हाँ ऐसे डिलीवरी करना है या फिर इसके बाद डिलीवरी करना है,
तो सर्टेन टाइम तक वो हो सकता है कि भाई हाँ कि बायर ने बोला है कि एक सर्टेन डेट के बाद आप डिलीवरी करो, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो ठीक है, लेकिन अगर जब तक बायर नहीं बोलता है सेलर डिलीवरी कैसे कर सकता है? तो बायर पे अप्लाई फॉर डिलीवरी, बायर सेलर को बोलेगा, ठीक जैसे जब हम लोग पिज्जा हट में कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो हम लोग ऑब्वियसली पिज्जा को जोमेटो को बोल रहे हैं ना कि भाई मेरे एड्रेस पे डिलीवरी करो, मेरे एड्रेस पे डिलीवरी करो, तो हम बोलेंगे तब डिलीवरी करेगा, अदरवाइज क्यों करेगा? तो बेसिकली ये सब केस में क्या होता है, मेरा ऑर्डर ही मेरा डिलीवरी का परमिशन है, एक्सप्रेस हो गया सर, मैं जैसे ऑर्डर किया इसका मतलब ही कि मैं एक्सप्रेसली बोल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी पिज्जा भेजो, मेरे पेट में चूहा दौड़ रहा है या मेरा फ्रेंड लोगों के साथ मुझे अभी पार्टी करना है, वट एवर भी की पर्पस है ना, या फैमिली के साथ हमें पिज्जा खाना। तो ये जब भी हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो बेसिकली ये बायर पे अप्लाई फॉर डिलीवरी हो जाता है, ठीक है सर? ये कोई बात नहीं, ये सब पढ़ाया जाता है, ये सब तो बाय डिफॉल्ट है। अरे सर दुनिया में हर चीज पहले से है, लेकिन हर एक चीज हमें पढ़ना पड़ता है। कभी आप सोचे हो जो कुछ भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं क्या वो चीज पहले से दुनिया में नहीं है? क्या कुछ भी नया पढ़ते हैं हम लोग? एक एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग बचपन में फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़े थे, प्लीज मेरा बात को ध्यान से सुनना, आइजैक न्यूटन सर का एक फॉर्मूला जिसमें आपने पढ़ा था कि आइजैक न्यूटन सर के सर पे मतलब हेड के ऊपर एप्पल गिरा था, याद करें जरा। हाँ, तो एप्पल गिरने के बाद उन्होंने बोला कि दुनिया के हर एक भारी चीजें उसको अर्थ अपनी तरफ खींचता है एंड इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, है ना, और ये मैग्नेटिक पावर के कारण होता है। अर्थ अर्थ में जो मैग्नेटिक पावर है वो मतलब जिसको हम लोग बंगाली में ऐसे बोलते हैं भूमिकर्षो जो चुंबक की वो कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं सर, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हर एक चीज को नीचे नीचे गिराता है ना। अब मैं आपको ये चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आइजैक न्यूटन सर प्रूव करने से पहले क्या ये मैग्नेटिक फोर्स नहीं था या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था? हेलो, क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आया? एक बहुत सिंपल सा बात किया मैंने, प्लीज टेल मी सर, कि आइजैक न्यूटन सर प्रूव करने से पहले क्या दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था या मैग्नेटिक पावर नहीं था? मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, जस्ट एक सिंपल सा चीज बोल रहा हूं, था हाँ या ना, इतना तो बताओ सर, था सर। ना सर? तो इसका मतलब क्या है, मतलब आप लोगों के मन में अगर ऐसे चल रहा है कि सर ये बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी से पढ़ने का क्या जरूरत है, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन सर लॉ को लिखना पड़ रहा है। अब ये बाय डिफॉल्ट होता है, सबको पता है, यहाँ पर जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं सभी चीजें लॉजिकल है, इलॉजिकल तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हमें लिख के बताया जाता है, सेक्शन में लिखा जाता है और उसको पढ़ने के लिए बोला जाता है और एग्जाम में लिखने के लिए बोला जाता है, फिर प्रॉब्लम हो तो डिस्प्यूट को ठीक करने के लिए बोला जाता है। लेकिन मजा का बात क्या जानते हो, दुनिया में जो भी ज्ञान है ना, दुनिया के अंदर मतलब इन दिस होल वर्ल्ड इन दिस होल यूनिवर्स जो भी नॉलेज हम लोग लेते हैं, मैं आपको बोलता हूँ आप कभी रियलाइज करना इसको, सारा का सारा ज्ञान पहले से ही है, हमें बस उसे डिस्कवर करना पड़ता है। नथिंग इज न्यू सर, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सब पुरातन है। सर क्या बात करते हो सर, सोचो तो समझ में आएगा, मतलब कंप्यूटर डिस्कवर करने से पहले से ही कंप्यूटर था, हमने बस उसे डिस्कवर किया। इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर कोई नया चीज है, कंप्यूटर था, अब बस हमें उसको ना बस डिस्कवर करना पड़ा, जस्ट लाइक आइजैक न्यूटन सर का ग्रेविटेशनल फोर्स। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कंप्यूटिंग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी था उसका भी अवेलेबिलिटी था, हमें पता नहीं, हम बस उसे असेंबल किए, जुगाड़ लगाए और जुगाड़ लगा के उसके एप्लीकेशंस को देख रहे हैं। नथिंग इज न्यू सर, जस्ट टू डिस्कवर। आई डोंट नो आप लोग इस बात को समझ कितना पा रहे हो, बट अगर कभी पीस माइंड के साथ समझने का कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कोई भी चीज नया नहीं पढ़ते, सब चीज पुराना है, या सब चीज पुराना भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब जिसको ऐसे बोलते हैं ना, मतलब जिसका कोई ना शुरू है ना शेष है, ठीक है, अनादि अनंत, ठीक है, एवरीथिंग इज अनादि अनंत,
हमें बस उसे डिस्कवर करना होता है। इसलिए जब आइंस्टाइन को पूछा गया था कि सर आप इतना नॉलेजेबल इंसान है, तो आइंस्टाइन एक छोटा सा जवाब दिया था कि इतने बड़े यूनिवर्स में हम अभी भी समुद्र किनारे पत्थर पत्थर उठा रहे हैं सर, ठीक है, जैसे बंगाली में बोलते हैं समुद्र धरे नूड़ी कुरुच, मतलब इट्स लाइक कि नॉलेज इमेंस है, हम लोग कितना ही जान पाते हैं, मतलब कितना ही डिस्कवर कर पाते हैं। आगे बढ़ो सर, प्लेस ऑफ डिलीवरी, मतलब ये सब तुच्छ बातें हैं, कुछ नहीं है ये सब बातें सर, यही तुच्छ बातें दिमाग में घुसते नहीं, सोचोगे तो घुस जाएगा, इतना भी क्या चीज है। प्लेस ऑफ डिलीवरी, वेदर इट इज फॉर द बायर टू टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स और फॉर द सेलर टू सेंड देम टू द बायर इज ए क्वेश्चन डिपेंडिंग इन ईच केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सर क्या कहता है, सर कहता है वेदर इट इज फॉर द बायर टू टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स और फॉर द सेलर टू सेंड देम टू द बायर, मतलब क्या बायर आके गुड्स का पोजेशन लेगा या सेलर जो है वो बायर के घर में गुड्स को पहुंचा दे। सर डिपेंडिंग ऑन ईच केस, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि डेकाथलन, डेकाथलन जो स्पोर्ट्स कंपनी है वो सुविधा देता है कि आप जाके डेकाथलन से प्रोडक्ट वहां पर जाके भी पोजीशन में ले सकते हो, या फिर आप डेकाथलन को बोल सकते हो कि भाई मेरे घर पे डिलीवरी कर, ऐसा चीज ऑनलाइन डिलीवरी में होता है और कोई भी नॉर्मल बिजनेस में होता है कि ठीक है हम जाके पोजीशन लेके आएंगे, आपको भेजने का जरूरत, यू डोंट नीड टू सेंड इट, हम जाके पोजीशन। तो डिपेंडिंग ऑन द ईच केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कुछ केस में एक्सप्रेसिव होता है मतलब बोल दिया जाता है, कुछ किसी किसी केस में इम्प्लाइड भी हो सकता है बिटवीन द पार्टीज। अपार्ट फ्रॉम एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, जैसे इम्प्लाइड कैसे, जैसे मानो आप जोमेटो में अगर फूड ऑर्डर करते हो, जैसे अभी दिखा रहा था पिज्जा ऑर्डर करने के बारे में, तो इम्प्लाइड होते हैं कि पिज्जा आप ऑब्वियसली पिज्जा हट में जाके नहीं, मतलब पोजिशन वहां जाके नहीं लोगे, आप ऑनलाइन में जोमेटो में ऑर्डर कर रहे हो, मतलब वो इम्प्लाइड है कि जोमेटो को आप बेसिकली यही बोल रहे हो कि भाई मेरे घर पे आधा घंटा में पिज्जा पहुंचा, इम्प्लाइड, डोंट नीड टू एक्सप्रेसली डिक्लेयर कि हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप डिलीवरी करो, कुछ चीज इम्प्लाइड होता है। अभी एक जोमेटो में लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको बाहर जाके खाना लेके आना नहीं है, वो ऑनलाइन में घर बैठे खाना का डिलीवरी अपने घर में मांगवाता, मतलब लेना चाहता है, इसका मतलब ये इम्प्लाइड है। ये जोमेटो काम क्या करता है, वो घर घर में डिलीवरी करने का काम करता है, अलग अलग रेस्टोरेंट का खाना घर घर को पहुंचाता है, सिंपल काम है, इम्प्लाइड है। तो कौन सा बिजनेस है, क्या केसेस है, कोई कोई चीजें बोलने का भी जरूरत नहीं होता है, वो इम्प्लाइड भी हो सकता है, मतलब मान लिया जाएगा एज पर दी वर्किंग कैरेक्टर, एज पर दी कंपनीज कैरेक्टर, एज पर दी बिजनेस कैरेक्टर, ये मान लिया जाएगा। अच्छा, तो बिटवीन दी पार्टीज अपार्ट फ्रॉम एनी सच कॉन्ट्रैक्ट गुड्स सोल्ड हैड टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द सेल एंड गुड्स एग्रीड टू बी सोल्ड हैड टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल और इफ नॉट देन इन एग्जिस्टेंस एट द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड। मतलब क्या कहना चाहता है, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा, बायर और सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर बायर बोल रहे हैं कि भाई मेरे घर में पहुंचा दो, तो उसके घर में या गोडाउन में या उसके दुकान में। अच्छा, अगर कुछ भी मतलब डिलीवरी का कोई प्रॉपर एग्जिस्टेंस के बारे में बायर और सेलर नहीं बात कर रहे, तो फिर कौन से प्लेस में होगा, एट द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड, वहां पर पहुंचे प्लेस ऑफ डिलीवरी। जैसे बड़े बड़े, जैसे मानो इस्पात की फैक्ट्री है, इस्पात फैक्ट्री समझते हो ना, स्टील फैक्ट्री में मानो कि आयरन ओर माइन से उठा के डिलीवरी करने का बात हो रहा है, तो कहाँ डिलीवरी किया जाएगा, अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो सिंपल फैक्ट्री में डिलीवर होगा, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलेगा या प्रोडक्शन चल रहा है वहां डिलीवरी करेगा, और कहां करेगा। तो ये सब सिंपल सिंपल बातें, तो सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 आपको प्लेस ऑफ डिलीवरी के बारे में बात करता है। टाइम ऑफ डिलीवरी, व्हाट इज लॉ क्या कहते हैं टाइम ऑफ डिलीवरी के बारे में, फिर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेलर, सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर बट नो टाइम फॉर सेंडिंग देम इज फिक्स्ड, अगर कोई टाइम फिक्स नहीं किया, the seller is bound to send them within reasonable time, अगर कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है तो रीजनेबल टाइम में भेजेगा। अब आप बोलोगे सर रीजनेबल टाइम क्या है, चलो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जैसे मानो एक ऐप है ब्लिंकिट या फिर बिग बास्केट, ऐसे कुछ कंपनीज हैं जो लोग
घर में आपको 10 मिनट में ग्रॉसरी डिलीवर करता है। हाँ सर, आई थिंक आप लोग शायद यूज करते हो। मैं कभी कभी करता हूँ सर, कभी कभी, जैसे कि जब जैसे कुछ दिन पहले मेरा हेल्थ इश्यूज था तो मैं बाहर नहीं जा पा रहा था, ऐसी सिचुएशंस में अगर कोई जरूरी चीज़ें ज़रूरत होता है तो यहाँ से ऑर्डर करके ले लेते हैं, बट बहुत रेयर भी करता हूँ बिकॉज काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है सर। मतलब तो वही चीज़ अगर आप आपके लोकल मार्केट से लेते हो तो कम से कम 100-200 तो आपको बच जाता है। मैंने देखा 100 से ज़्यादा 200 के आसपास सेविंग हो जाता है अगर आप अपने लोकल मार्केट से लेते हो। इट्स माई एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा है। जैसे एक सिंपल एक मशरूम अगर मैं लोकल मार्केट से लेता हूँ तो 50 रुपीज़, ये लोग एक पैकेट मशरूम का दाम बोलता है 80+। लेकिन वही है एक सुविधा कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपको घर बैठे बैठे मिल जाए, बस यही सुविधा है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से कोई भी चीज़ अगर मैं इसको ऑर्डर करूँगा तो जैसे ही मैं यहाँ पर प्रोसीड करूँगा ना सर, अब यहाँ पर फ़ोन नंबर मांग रहा है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है डिलीवरी टाइम मांगते हैं आपसे, दे विल आस्क यू फॉर द डिलीवरी टाइम स्लॉट। अगर आप लोग कभी ऑर्डर करेंगे ना ऐसे, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन का ऐसा नहीं है, बट ये ग्रॉसरी डिलीवरी कंपनीज आपको टाइम स्लॉट मांगता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हो, बोलो सर ऐसा होता है कि नहीं होता? आपसे टाइम स्लॉट बोलते कि नहीं बोलता? जैसे नॉर्मली, अच्छा अब टाइम स्लॉट में आप कभी नॉर्मल केस में ऐसा नहीं देखोगे कि रात को 2 बजे से लेके मतलब फ्रॉम 2 AM to 5 AM का टाइम आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ये रीजनेबल टाइम नहीं है एक ग्रॉसरी। अच्छा क्या 2 AM से 5 AM में कोई और बिजनेस नहीं करता है? करता है। जैसे कोलकाता में जो बड़े बड़े ट्रक आता है, कभी अगर आप मछुआ मार्केट जाते हो या ट्रांसपोर्टिंग सेगमेंट में मालापाड़ा पोस्ता बड़ा बाजार के एरिया में जाते हो तो वहाँ पर रात को ही ट्रक आता है प्रोडक्ट डिलीवरी करने के लिए, तो उनका रीजनेबल टाइम रात है। बट क्या एक नॉर्मल एक घरेलू इंसान वो रात को 2 बजे से 5 बजे में डिलीवरी एक्सेप्ट करेगा क्या? तो वो रीजनेबल टाइम नहीं है। तो हर केस का अलग अलग रीजनेबल टाइम होता है। अब इसीलिए रीजनेबल टाइम का क्या मतलब है ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस सेगमेंट के ऊपर। आप कोलकाता में कभी भी दिन के टाइम पे ट्रक नहीं देखोगे। कभी देखा आप लोगों ने कोलकाता के रास्ते में डे टाइम में कभी ट्रक देख पाते हो? एक्सेप्शनल सिचुएशंस अलग है, बट आपको नजर नहीं आएगा ज्यादातर केस में। अगर आप लोग ठीक ठाक से नजर करते हो, अगर ट्रक सारा ट्रक अगर डे टाइम में निकल जाए तो कोलकाता में ऐसे ही रास्ता नहीं है, तो सारा ट्रक जितना बाहर से आते हैं वो अगर सारा ट्रक अगर कोलकाता के रास्ते में चालू हो जाए ना तो फिर बस ऑटो टैक्सी ऐसे ही जाम है तो फिर और जाम हो जाएगा। और ट्रक तो ऐसे ही बहुत बड़ा होता है और कोलकाता का रास्ता पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत छोटा है। ज्यादातर केस में ट्रक को परमिशन दिया जाता है रात को 9 बजे के बाद और 5 बजे से अंदर वो निकल जाते हैं। सर आपको कैसे पता? आप सारा रात घूमते हो क्या? अरे नहीं सर, हम लोग का ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस है ना फैमिली में, तो इसलिए मुझे बचपन से इसका नॉलेज है कि ट्रक रात को ही लोड होता है और भोर होते होते वो निकल पड़ता है, भोर होते होते निकल पड़ता है, कोलकाता छोड़ के निकल जाता है। इसलिए आपको दिन के टाइम पे कोलकाता के रास्ते में सड़क पे नहीं दिखेगा, नो एंट्री। हर जगह में ट्रक के लिए नो एंट्री लगा रहता है क्योंकि वो उसका रीजनेबल टाइम नहीं है। अब इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी बिजनेस टू बिजनेस कि टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा। बात समझ में आ रहा है सर? हेलो जरा हाँ ना बोलिएगा बीच बीच में, आप लोग कनेक्टेड हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, हाँ या ना? हाँ सर। ओके सर। अच्छा देखो, गुड्स इन पोजीशन ऑफ ए थर्ड पार्टी, सेक्शन 36 सबसेक्शन 3, गुड्स इन पोजीशन ऑफ ए थर्ड पार्टी, व्हेन द गुड्स एट द टाइम ऑफ द सेल आर इन ए पोजीशन ऑफ थर्ड पर्सन, देयर इज नो डिलीवरी अनलेस एंड अंटिल सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड ऑन हिज बिहाफ। अगर कोई थर्ड पर्सन किसी के बिहाफ में गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि वो बायर के बिहाफ में कर रहा है। जब तक ये एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो डिलीवरी नहीं हुआ है। Provided that nothing in this section shall affect the operation of the issue or transfer of any document of title of goods.
अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है, मतलब जैसे मानो रेलवे में अगर कोई गुड्स लेना चाहते हो तो रेलवे गुड्स जिसके हाथ में रहेगा रेलवे रिसीव वो रिसीव कर सकता है। एयरपोर्ट में जाओगे बिल ऑफ लैडिंग रहेगा जिसके हाथ में वो रिसीव कर सकता है। पोर्ट में भी सिमिलरली बिल ऑफ लैडिंग बहुत काम करता है। तो एग्जैक्टली अगर कोई डॉक्यूमेंट टाइटल है किसी के पास तो वो रिसीव कर ही सकता है। बट अगर डॉक्यूमेंट टाइटल के अलावा अगर कोई कोई बंदा कोई चीज़ को रिसीव करता है जो थर्ड पर्सन है तो उन्हें एक्नोलेज करना पड़ेगा कि मैं इनके बिहाफ में रिसीव करने आया। 36(3) Time for tender of delivery, demand or tender of delivery may be treated as ineffectual unless made at a reasonable hour. What is reasonable hour is a question of fact. What is the reasonable hour? ये question of fact है। मैं आपको वही अभी बात कर रहा था। Reasonable hour business to business depend करता है। इसका कोई proper definitions तो बिल्कुल नहीं है। Section 36, subsection 4। ये case to case depend करता है। अच्छा expenses for delivery, delivery का expense, the expense of expense of and incidental to putting the goods into a deliverable state must be borne by the seller in absence of a contract to the contrary. Sir, ध्यान से बात को समझे। अगर किसी को कोई goods deliver किया जा रहा है, okay, तो उसको deliverable state में रखने का जो खर्चा है वो seller को उठाना पड़ता है। अगर seller के साथ buyer का कोई contract होता है कि delivery का खर्चा बायर उठाएगा तब हो सकता है। इसीलिए क्या इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, अगर कॉन्ट्राडिक्टरी में कुछ अलग से बायर को बोला गया है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि बायर उठाएगा तो बायर उठाएगा, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट कोई भी गुड सेल डिलीवरी करने का जो एक्सपेंस है वो किसको उठाना पड़ेगा, सेलर को उठाना पड़ेगा। मतलब मानो कि आप कोई गुड्स किसी को बेच रहे हो कोई भी गुड्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ब्लिंकिट में है या फिर जो भी लोग, ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है, फ्लिपकार्ट से हो या जहाँ जहाँ से मर्जी। तो अगर मानो कोई गुड्स आप किसी को सेल करना चाहते हो तो बायर जो है अगर उसके साथ आपका कोई प्रायर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपने कुछ नहीं बोला कि ये पर्टिकुलर गुड्स को पहुँचाने का क्या डिलीवरी कॉस्ट है, अच्छा यहाँ पर बोला है, देखो अच्छा यहाँ पर देखो MRP बोल रहे हैं 330, प्रोडक्ट डिस्काउंट 79, डिलीवरी चार्जेस फ्री लिखा है। तो अच्छा डिलीवरी चार्जेस फ्री है, नाउ द क्वेश्चन इज दैट, तो अगर डिलीवरी चार्जेस फ्री है तो फिर डिलीवरी कॉस्ट कौन बेयर करेगा, मतलब जो बंदा डिलीवरी करेगा क्या वो फ्री में करेगा, हेलो क्या डिलीवरी बॉय सच में फ्री में करेगा, प्लीज टेल मी सर, इन रियलिटी क्या डिलीवरी बॉय सच में फ्री में काम करेगा? नो सर। तो फिर ये कौन बेयर करेगा? सेलर बेयर करेगा, सिंपल बात है। तो बाय डिफॉल्ट सेलर ही करता है, लेकिन मानो कि अगर यहाँ पर सिंपल एक छोटा सा चेंज कर देता, इसमें फ्री के जगह ये फ्री को काट के 15 rupees जिंदा हो जाता अगर, और फिर मैं अगर यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इसका मतलब क्या मैं राजी हूँ 15% डिलीवरी चार्जेस देने के लिए। सो इफ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द डिलीवरी चार्जेस और जो बेसिकली मेरे से ही पेमेंट होगा बायर से, देन ओके देन नो प्रॉब्लम विद दैट। बट अगर कुछ नहीं बोला है तो सेलर को बेयर करना पड़ेगा। अब ये तो सिंपल ग्रोसरी डिलीवरी का बात है, बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट, करोड़ों का डील हो सकता है थ्रू ट्रांसपोर्ट इंडिया के एक प्रांत से दूसरे प्रांत, फ्रॉम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, नागालैंड से लेके गुजरात, ठीक है, कहाँ से कहाँ डिलीवरी हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सब सिचुएशंस में ये सब क्लियर कट होना चाहिए। तो एकदम क्लियर है कि अगर एब्सेंस, अगर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में बोला नहीं है तो सेलर बेयर करेगा एक्सपेंस फॉर डिलीवरी, सेक्शन 36 सबसेक्शन 5, याद रखें। सर डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, Section 37, where the seller delivered to the buyer a quantity of goods less than he contracted to sell, ठीक है, मतलब जितना contract हुआ था, मानो simple बात है, 100 packet का बात हुआ था, 100 packet के जगह 80 packet delivery हुआ है, जब buyer ने reject कर, but if the buyer accept the goods or delivered, he shall pay for them at the contract rate.
मतलब 100 पैकेट के जगह अगर सेलर ने, सेलर जब बायर को डिलीवरी दे रहा है, अगर 100 की जगह 80 पैकेट आया है तो बायर जो है ना सर वो रिजेक्ट कर सकता है, बायर कैन रिजेक्ट एंड क्लेम। अगर कुछ भी पेमेंट पहले कर दिया था तो पेमेंट भी रिफंड मांग सकता है, पूरा क्लेम है। रिजेक्ट कर दिया मतलब नहीं मेरे को 100 ही चाहिए, 80 से काम नहीं बनेगा तो रिजेक्ट कर। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो 80 पैकेट का पेमेंट तो उनको देना पड़ेगा, 80 पैकेट का पेमेंट तो उनको देना पड़ेगा। समझ रहे सर? डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। अब चलो इसका एक केस बताता हूं मैं आपको, इसका एक केस बताता हूं। अगर आप लोग बंगाल, वेस्ट बंगाल का फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानते कि नहीं मुझे नहीं पता, तो एक 2021 में कोरोना के टाइम पे प्रोसेनजीत चैटर्जी बोले, बंगाल का एक फेमस एक्टर है सर, बड़ा ही फेमस एक्टर है, ठीक है, प्रोसेनजीत चैटर्जी, इनका एक ट्वीट वायरल हुआ। मैं आपको बताता हूँ क्यों वायरल हुआ। प्रोसेनजीत चैटर्जी ट्वीट पीएम, आई डोंट नो ये मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट ये बहुत पॉपुलर मतलब बहुत भयंकर तरीके से इसका वायरल हुआ था। क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग खबर रखते हो। ये देखो, ट्रोल्ड फॉर टैगिंग पीएम मोदी, 2021 का केस है, खबर बन गया था, मिनट में आ गया था। ये देखो सर क्या हुआ था, नॉट जस्ट पीएम मोदी, पीएम मोदी ममता इन स्विगी ट्वीट। सर ध्यान से देखना, केस को देखना। सर आप लोग सोच रहे हो सर मैं कहाँ कहाँ से क्या क्या उठाता हूँ। सर कहाँ कहाँ से क्या उठा रहा हूँ इट्स नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट, जो बोल रहा हूँ वो रेलेवेंट कितना है वो समझो आप बात। मैं कोई भी बात हवा में करके फायदा नहीं है, एक रेलेवेंट एक जोकिंग केस है। आप केस को देखो, सोशल मीडिया में प्रोसेनजीत चैटर्जी जो बड़ा फेमस एक्टर है बंगाल का, ठीक है, बहुत ही फेमस है, इन्होंने स्विगी 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 का एक कॉन्सेप्ट में इनका अनहैप्पीनेस इन्होंने ट्वीट करके पीएम और मोदी जी ममता बनर्जी को ट्वीट करके टैग किया था। तो अनहैप्पी विद द सर्विस ऑफ एन ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर, चैटर्जी ऑन सैटरडे टू ट्विटर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पीएम मोदी एंड सीएम ममता, सेइंग द इशू कैन बी फेस्ड बाय एनीवन। हुआ क्या था, इन्हें ओपन लेटर टू द पीएम एंड स्टेट चीफ मिनिस्टर, द नेशनल अवार्ड विनिंग, यस नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर नो डाउट, आई प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑन फूड डिलीवरी ऐप। ध्यान से देखा क्या लिख रहा है, क्या लिखता है ध्यान से देखे, आई प्लेस्ड एन ऑर्डर इन फूड डिलीवरी ऐप, आफ्टर सम टाइम द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर चेंज टू डिलीवर बट आई नेवर रिसीव द फूड, दे रिफंडेड मी द मनी सिंस द ऑर्डर वॉज प्रीपेड, हाउएवर आई वॉन्टेड टू ड्रॉ योर अटेंशन बिकॉज आई फील एनीबडी कैन फेस दिस इशू एंड वट इफ समवन रिलाइज ऑन ए फूड ऐप टू गेट देयर फूड डिलीवर्ड फॉर देयर गेस्ट एंड द फूड नेवर अराइव्स, एंड वट इफ समवन इज डिपेंडिंग ऑन दिस फूड ऐप फॉर देयर डिनर, विल दे स्टे हंग्री। सर आप लोग बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? हेलो, यस सर, ये ओरिजिनल 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 लेटर आपके सामने है, रिस्पेक्टेड पीएम एट द रेट नरेंद्र मोदी एंड रिस्पेक्टेड सीएम एट द रेट ममता ऑफिशियल, योर काइंड अटेंशन। नाउ क्वेश्चन इज दैट, क्या प्रसेनजीत चैटर्जी स्विगी के अगेंस्ट में केस कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, उनको रिफंड मिल गया है। बट पॉइंट इज दैट उनके लिए देखो, इनके लिए रिफंड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मिडिल क्लास के लिए रिफंड इम्पॉर्टेंट होगा, इनके लिए रिफंड ऑब्वियसली हर किसी के लिए रिफंड इम्पॉर्टेंट है। बट अगर इन्होंने 5,000 का खाना ऑर्डर किया था, अगर 5,000 का लॉस भी हो जाता है, ये इनके लिए बहुत मुश्किल कहना नहीं करेगा, सिंपल बात है। लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से 5,000 का ऑर्डर था तो 5,000 का खाना नहीं आता है तो उसको बिल्कुल चुभेगा, बहुत चुभेगा। नाउ पॉइंट इज नॉट अबाउट द पैसा, मैटर इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट डिलीवरी हुआ है कि नहीं हुआ, डिलीवरी एक्चुअली में नहीं हुआ। तो पॉइंट इज दैट, क्या इसमें प्रोसेनजीत चैटर्जी का अगर मैं बात करूं तो क्या इस मैटर में नरेंद्र मोदी या सीएम को टैग करना चाहिए? ये कितना तो सही बात है, आई डोंट नो इस मैटर पे मोदी और ममता जी क्या कर पाएंगे, बट पॉइंट इज दैट यस,
अगर कंपनी ने स्विगी ने डिलीवरी नहीं कर पाया तो उनके अगेंस्ट में वो जा सकते हैं, बिल्कुल उनके पास पावर है, लेकिन बात वही है कि रॉन्ग क्वांटिटी या फिर डिलीवरी नहीं हुआ तो उसका इफेक्ट क्या हो, इसी मुद्दे के ऊपर है ना सर बात, कि मैंने जो डिलीवरी के लिए बोला था एज ए बायर वो मुझे नहीं मिला, तो अगर मैं मुझे जो नहीं मिला मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ, और अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। रूल तो बस इतना ही बताता है सर, ठीक है। अब इसमें हंग्रीनेस के ऊपर, जैसे प्रसेनजीत चटर्जी ने बोला है कि क्या फैमिली वाले हंग्री में रहेगा, ये आई डोंट नो इसके ऊपर कुछ लॉ है कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है, कि फूड डिलीवरी आप पे डिपेंड करके जो भूखा रह जाएगा उसके अगेंस्ट में कोई लॉ है कि नहीं, सीरियसली आई डोंट नो, अगर नॉलेज में होगा कभी तो मैं बताऊंगा इसको। ओके तो व्हाट एवर आई होप यू अंडरस्टैंड कि सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 क्या कहता है। हाँ, व्हेन द सेलर डिलीवर्स द बायर अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स लार्जर देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल। अच्छा, अगर ज्यादा बेच दिया, आपके मन में सवाल होना चाहिए कि सर कम होगा तो रिफंड क्लेम करेगा और जितना एक्सेप्ट करेगा पेमेंट करेगा, लेकिन अगर ज्यादा डिलीवरी कर दिया तो लार्जर देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट एंड ही मे रिजेक्ट द होल, इफ द बायर एक्सेप्ट द होल ऑफ द गुड्स और डिलीवर्ड ही शैल पे फॉर द डिलीवरी। मतलब सिंपल बात है, अगेन सबसेक्शन 1 कम एक्सेप्ट करोगे तो कम का पेमेंट करो, सबसेक्शन 2 अगर ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया तो ज्यादा का पेमेंट करो। मतलब बात यही है कि ज्यादा जितना एक्सेप्ट करोगे उतने का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, कम के लिए कम या तो रिजेक्ट कर दो क्योंकि रॉन्ग क्वांटिटी है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने जितना बोला था एज ए बायर मुझे ज्यादा मिल गया, मुझे तो इतना नहीं चाहिए, तो आप रिजेक्ट कर दो, ठीक है, और अगर आपको कम मिला है तो भी रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट करने का पावर आपके पास है, लेकिन अगर एक्सेप्ट करते हो एज ए बायर नहीं यू हैव टू पे फॉर दैट। सर वेयर द सेलर डिलीवर टू द बायर द गुड्स ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल मिक्स्ड विद गुड्स ऑफ अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, वेयर द सेलर डिलीवर टू द बायर द गुड्स ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल मिक्स्ड विद गुड्स ऑफ अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, द बायर मे एक्सेप्ट द गुड्स व्हिच आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट और मे रिजेक्ट द होल। सिंपल बात है, अगर डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं करता है और मिक्स हो चुका है, अगेन अगेन बायर कैन रिजेक्ट इट, बट अगर एक्सेप्ट करता है तो जितने का एक्सेप्ट करेगा पेमेंट करना होगा। ऐसे ये कॉन्सेप्ट बहुत वाइटल हो जाता है कि एज पर डिस्क्रिप्शन मुझे रिसीव हुआ है कि नहीं, बट अगर एज पर डिस्क्रिप्शन में मिक्स अप हो चुका है तो आप रिजेक्ट कर दो, दैट इज बेस्ट, बट एक्सेप्ट करोगे तो फिर पेमेंट तो करना होगा। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू एनी यूसेज ऑफ ट्रेड स्पेशल एग्रीमेंट और कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। जैसे ए एग्रीज टू सेल 100 क्विंटल्स ऑफ व्हीट टू बी एट 1000 पर क्विंटल, ठीक है, 100 क्विंटल वीट ए सेल करना चाहता है बी को, पर क्विंटल का प्राइस है 1000 करके, 1000 रुपीज करके, ए डिलीवर 1100 क्विंटल्स ऑफ क्विंटल्स, ठीक है, ए डिलीवर्स 1100 क्विंटल्स, बी में रिजेक्ट दी होल लॉट और एक्सेप्ट ओनली 1000 क्विंटल्स। अच्छा, ये 100 क्विंटल्स नहीं, आई थिंक ये 1000 क्विंटल होगा, ठीक है, एक्सेप्ट ओनली, हाँ ये 100 नहीं सर, ये 1000 हो, ठीक है, मतलब 1000 क्विंटल सेल करने का बात किया था, बदले में 1100 कर दिया, तो अगर एक्स्ट्रा 100 कर दिया हो सके तो आप एक्स्ट्रा 100 एक्सेप्ट ना करो, सिर्फ 1000 रखो, बाकी पूरा रिजेक्ट कर दो, मतलब 100 एक्स्ट्रा जो आपको मिला है वो रिजेक्ट कर दो, या फिर पूरा का पूरा को रिजेक्ट कर सकते हो, इतना पावर बायर के पास है, बायर कर सकता है। बट अगर देखो बिजनेस अगर रेगुलर मैटर पे होता है तो कई बार ये सब एडजस्टमेंट हो जाता है। सर इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज अनलेस अदरवाइज एग्रीड द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट, अगर पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं बना है तो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी नॉर्मली नहीं होता, ठीक है। जैसे एक बात करते हैं सर, क्या आप लोग कभी जैसे पिज्जा हट, पिज्जा का इंस्टॉलमेंट डिलीवरी चलेगा, मानो आधा पिज्जा पहले देंगे फिर आधा पिज्जा देंगे, ऐसा चलेगा क्या? हाँ? सर समझ रहे हो, एग्जैक्टली, अनलेस अदरवाइज एग्रीड द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉल, द राइट्स एंड लाइबिलिटीज
in cases of delivery by installment and payment thereon may be determined by the parties of the contract, section 38. Acha delivery to carrier matlab transporter, subject to terms of the contract, the delivery of the goods to the carrier for transmission to the buyer is a prima facie deemed to be delivery to the buyer. Prima facie deemed, prima facie matlab primary, deemed matlab maan lenge. Deemed matlab maan lenge. ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एग्जांपल दे पोस्ता, कोलकाता पोस्ता जानते हो आप लोग, पोस्ता क्या है जानते हो, पोस्ता ही तो पूरा बिजनेस का ट्रांसपोर्टिंग हब है सर। तो भी अगर आप लोग बड़ा बाजार जाते हो, गंगा किनारे का एरिया में जाते हो, तो आपको ट्रांसपोर्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो जस्ट लुक एट दी सम ट्रांसपोर्टिंग इमेज, आपको समझ में आएगा सर। ये बड़ा बाजार पोस्ता एरिया में ही है, आप देख पा रहे हो किस तरह से ट्रक में सामान लोड हो रहा है, देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे सर, ये वाला इमेज देखो बड़ा सुंदर से लग रहा है, ये देखो जस्ट लाइक दिस, इस तरह से बड़ा बाजार पोस्ता एरिया में सामान लोड होता है। ठीक है, अब लुक एट दिस इमेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ये काम कैसे करता है। आपको अगर पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पता है तो भी अच्छा, अगर नहीं पता तो भी अच्छा। ये कैसे है सर, देखो ये जो ट्रक है ये किसी का भी हो सकता है। अगर आपका ट्रक है तो आप भी ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू से अपना ट्रक को लगा सकते हो। ठीक है, तो बड़ा बाजार में क्या चलता है, इंडिविजुअल लोगों का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जैसे एक्चुअली हम लोगों का एक मतलब पुश्तैनी बिजनेस है सर, तो ट्रांसपोर्टर जो है सर, जिसे हम लोग कैरियर भी बोल सकते हैं, मैं आपको एकदम ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम बता रहा हूँ। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मानो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट्स या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लोगों ने इसको ऑर्डर किया। से फॉर एग्जांपल बर्धवान का ऑर्डर हो सकता है, मतलब बर्धवान डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मालदा या सिलीगुड़ी, ठीक है, कहीं से भी हो सकता है। अब जिसका भी माल है वो माल ट्रक में लोड हो रहा है, वो क्या किया, वो पहले बड़ा बाजार में आया, जो सेलर है सेलर को जाके बोल दिया कि भाई मेरे को इतना इतना बस्ता बोरा का सामान चाहिए। ठीक है, आप देख, अब अलग अलग टाइप ऑफ सामान है आप देख सकते हो, तो जिसका जो भी माल है वो उसमें माल में नाम लिख के सेलर क्या करता है, सेलर जो है वो ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में भेज देता है। ठीक है, मानो ये ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में भेज देगा। अब सेलर बायर के नाम पे, बायर कहाँ का है, बर्धवान का है, मिदनापुर का है, मालदा का है, सिलीगुड़ी का है, दुर्गापुर का हो सकता है, आसानसोल का हो सकता है, अच्छा बिहार का भी हो सकता है, झारखंड का भी हो सकता है, आसाम का भी हो सकता है। अब क्या करता है सेलर, बायर जो बायर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का जो बायर है उनके नाम पे प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टर के घर में पहुंचा दी। ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, अब ये ट्रक ट्रांसपोर्टर का हो भी सकता है या फिर ट्रांसपोर्टर किसी के पास से लिया है, ऐसा भी हो सकता है। मानो कि आपके पास ट्रक है, आप बोलते हो कि नहीं मेरा ट्रक है, मैं ट्रांसपोर्ट में लगाना चाहता हूँ, तो आप ट्रांसपोर्ट में ट्रक को लगा दो, तो ट्रांसपोर्टर आपसे ट्रक लेके काम कर लेगा, बदले में आपको भाड़ा दे देगा और आप कमीशन ले देंगे, मतलब आप मतलब ट्रांसपोर्टर। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस में उसका खुद का ही ट्रक है, अब वो उस ट्रक में सामान को लोड करेगा और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में प्रोडक्ट को पहुंचा देगा। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि जब सेलर ने ट्रांसपोर्टर के ट्रक में, ट्रांसपोर्टर के ट्रक में जब सामान लोड करवा दिया, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि सेलर ने एक्चुअल में बायर को ट्रांसफर कर दी। ये सब जब कैरियर को या ट्रांसपोर्टर को दे देता है ना सेलर, तो सेलर एक्चुअल में ट्रांसफर कर देता है गुड्स का ओनरशिप, मतलब सॉरी गुड्स का ट्रांसफर हो जाता है वहीं पर। अगर कोई अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है वो अलग बात, कई कबार जैसे ये जनरल ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट है, जनरल ट्रांसपोर्टिंग कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलता है, बट अगर सिर्फ कंपनी का माल है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को ट्रांसपोर्ट कर, तो जब कंपनी दूसरे कंपनी के घर पे पहुंचा नहीं देता तब तक वो कंप्लीट नहीं होता, बट जब कोई थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर के थ्रू से होता है, तो सेलर जब ट्रांसपोर्टर के घर में सामान पहुंचा दिया, मतलब वो बायर को दे दिया,
अब आगे से बायर का रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेलर का रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। सेलर को कुछ नहीं पता, सेलर बायर के कहने पे, सेलर बायर के कहने पे गुड्स को ट्रांसपोर्टर के हाथ में दे दिया। अब बायर का दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद का आ जाता है कि वो ट्रांसपोर्टर के थ्रू से माल पहुंचाए। अब बीच में कुछ होगा, ट्रांसपोर्टर और बायर समझेगा, सेलर का पिक्चर खत्म हो। मतलब ये जनरल ट्रांसपोर्ट तो ऐसे ही चलता है, और सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग कॉन्सेप्ट इसी तरह से होता है। समझ पा रहे हैं सर बात को? ऐसे होता है ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है? मतलब किसी का भी सामान लोड करके पहुंचा देता है उसके दुकान के पास। नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर? पॉइंट इज दैट कि ये जो मैं आपको डिलीवरी टू करियर के बारे में बात कर रहा था, क्या बोला सेक्शन 39 सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द करियर फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर इज प्राइमा फेसी, मतलब प्राइमरी डीम्ड टू बी डिलीवरी टू द बायर। तो मान लेंगे कि बायर को दे दिया, कौन? सेलर। तो अगर रास्ते में कुछ होता है तो प्राइमरी रिस्क तो बायर का ही है, समझे कि नहीं? अच्छा बात अगर ऐसा होता है कि बायर जो थी एग्री हुआ ताहले तो मने प्रॉब्लम होगे। एग्री मतलब मैं समझा नहीं, মানে বায়ার যদি এগ্রি হয় যে মানে যদি তুই সেলারকে বলে যে ট্রান্সপোর্ট করে দাও গুডসটা, তাহলে তো যখন কিছু হয় তাহলে তার দায়িত্ব বায়ার নেবে। অবভিয়াসলি। হ্যাঁ, আর যদি সেলার যদি নিয়ে থেকে করতে চায় ট্রান্সপোর্ট বায়ারকে, তখন তো যদি কিছু তখন সেলারই বুঝবে। ইয়েস 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 দ্যাটস ট্রু দ্যাটস ট্রু। লেকিন দেখ, তো ফির ইন দ্যাট अगर সেলার খুদ ডেলিভারি করতা তো সেলার তো খুদ কা ক্যারিয়ার হতা, তো ও ক্যারিয়ার থোড়ি না अलग कोई होता। अगर सेलर, जैसे मैं आपको बोला था ना, कंपनी डिलीवरी जो होता है, कंपनी टू कंपनी जो काम चलता है, ठीक है? तो कंपनी टू कंपनी में जो काम चलता है, मान कि टाटा कंपनी का एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, या टाटा कंपनी अपने कोई सब्सिडियरी को या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर को कोई सामान पहुंचा रहा है, तो कंपनी इस केस में क्या बोलता है कि सेलर, सेलर के घर से बायर के घर पे पहुंचाने का काम सेलर खुद करेगा। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो फिर सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब डिलीवरी इज द पार्ट ऑफ सेल इन दैट केस। बट अगर कुछ भी नहीं है सेलर की तरफ से, सेलर अगर सिर्फ कैरियर को दे देगा, ऑब्वियसली बायर के कहने पे, ऑब्वियसली बायर के कहने पे। मैं आपको क्या बोला, जनरल ट्रांसपोर्ट होते पड़े। हां बोल, इधर की इंप्लाइड होते पड़े। हां इंप्लाइड, एग्जैक्टली, इंप्लाइड भी हो सकता है, जनरल ट्रांसपोर्टिंग इंप्लाइड भी हो सकता है, जनरल ट्रांसपोर्टिंग। अगर स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मतलब जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपनी टू कंपनी, बी टू बी जो होता है, बी टू बी इन द सेंस एक पर्टिकुलर कंपनी अपना प्रोडक्ट, जैसे मान की मोबाइल कंपनी, मोबाइल कंपनी अपने डीलर को सामान पहुंचा रहा है, तो मोबाइल कंपनी डायरेक्टली डीलर के घर पे पहुंचाएगा, उसमें कोई ट्रांसपोर्टर बीच में नहीं आता है। अगर आएगा भी तो वो कंपनी के बिहाफ में जाएगा। बट जनरल ट्रांसपोर्टिंग में, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, मतलब जो 90% ट्रांसपोर्टिंग तो वही है जनरल ट्रांसपोर्टिंग। जनरल ट्रांसपोर्टिंग में कैरियर के पास पहुंचा देगा बायर सेलर, अब सेलर जो पहुंचाएगा वो ऑब्वियसली बायर के कहने पे ही होगा, क्योंकि सिंपल क्या होता है ना, जब जैसे मैं बड़ा बाजार का केस बोल रहा हूँ, तो बड़ा बाजार में जब कोई बायर कुछ भी परचेस करने के लिए आता है, तो वो बड़ा बाजार के अलग अलग अली गली घूम के जो भी प्रोडक्ट उनको मिलता है ना, प्रोडक्ट को चूज करने के बाद, ये बंदा, ये जो बंदा है, ये बड़ा बाजार की गली में क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है जानते हो? ये लेबर, ये मुटिया, या फिर ये मुटिया क्या कर रहे हैं, ये जो मुटिया मजदूर बोलते हैं ज्यादातर केस में, ये मुटिया मजदूर लोग क्या कर रहे हैं, ये किसी सेलर के घर का सामान को, ये किसी सेलर के घर से सामान को क्या कर रहे हैं बोले तो, ट्रांसपोर्टर के घर में पहुंचा रहा है एज पर द बायर डिस्क्रिप्शन। बायर ने बोल दिया कि आप इस ट्रांसपोर्ट में प्रोडक्ट को दे देना, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना ठेला गाड़ी ले लिया, ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कॉन्सेप्ट, आज से नहीं, मोर देन 200 ईयर से कोलकाता में चल रहा है, ठीक है? तो द सिमिलर काइंड ऑफ, पुराने जमाने में नॉर्मल नाव से या जहाज से चलता था, आज के डेट में ट्रक बस वगैरह से चलता है। तो ये बेसिकली सेलर के घर से प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टर के घर में पहुंचा रहा है, पर इतना सुंदर चलता है आपको क्या बताऊं। ऐसे लॉजिस्टिक का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है मुंबई का डब्बा वाला, खाना डिलीवरी करता है, जानते हो?
मुंबई डब्बा वाला जानते हो सर आप लोग, टिफिन सर्विस देता है, बहुत फेमस है, आज तक गलती नहीं हुआ सर। ये थोड़ा अलग ट्रांसपोर्टिंग है, डब्बा वाला। इसके ऊपर बहुत केस स्टडीज हुआ है, बट इनके मैनेजमेंट के सामने दुनिया का हर मैनेजमेंट फेल। मुंबई डब्बा वाला, ये कुछ इस तरह का लुकिंग्स होते हैं डब्बा वाले का, ठीक है। मुंबई के हर एक ऑफिस में खाना डिलीवरी करना, हर एक घर का करना। मानो कि आपके फैमिली से कोई ऑफिस में है, तो ऑफिस टाइम में आप डब्बा वाले के थ्रू से ऑफिस में खाना पहुंचा दो। क्या गजब का डिलीवरी कॉन्सेप्ट है। ये सब कोई बहुत पढ़ा लिखा कुछ नहीं है सर, कोई लॉजिस्टिक या मैनेजमेंट पढ़ के नहीं आया है, बट मजा का बात है सर, आज तक इन लोगों ने गलती नहीं किया। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसका खाना उसके टेबल में चला गया। ऐसे इसके ऊपर इरफान खान का एक बहुत अच्छा मूवी है, डब्बा वाले के ऊपर एक लव स्टोरी है, कभी देखोगे तो अच्छा लगेगा। इरफान खान जो आज नहीं है, बड़ा बड़ा फेमस एक्टर है सर बॉलीवुड का, सच में आप लोग जानते भी हो, कैंसर से गुजर गए। इनका एक मूवी है, इसी के ऊपर एक लव स्टोरी है, रोमांटिक मूवी है। तो जो भी हो, तो डब्बा वाला, मुंबई चा डब्बा वाला, क्या गजब का काम करता। कभी केस स्टडीज पढ़ना इनका, ठीक है, समझ में आएगा आपको डिलीवरी क्या चीज है। तो आप घर पे खाना, जैसे कोलकाता में सब चलता नहीं है ज्यादातर, मतलब घर पे औरत के जो होते हैं सर, मतलब जो भी वाइफ होते हैं, वो क्या करते हैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाते हैं, बना के डब्बा वाले को दे दो, फिर डब्बा वाला एकदम हर एक ऑफिस टेबल में जाके खाना पहुंचा गया। ऐसे हजारों डब्बा वाला, लाखों डब्बा वाला काम करते हैं, सब साइकिल से पूरा मुंबई में सर्विस देता है। ये तो मराठी टोपी पहन के उनका काम चलता है। भारत में सीखने का बहुत कुछ है सर, बाहर से हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से इसका ये लोग केस स्टडीज करने के लिए आते हैं। हम लोग यहाँ से हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाने का सोचते हैं, वो लोग हमारे यहाँ पर आता है कि धारावी जैसे एक स्लम $1 बिलियन का बिजनेस कैसे दे सकता है, डब्बा वाला जैसे अनपढ़ लोग, जस्ट बेसिक एडुकेशन होता है किसी किसी का, वो भी नहीं होता, वो लोग ऐसे इतना अच्छा मैनेजमेंट कैसे कर लेता है। क्योंकि सबको लगता है कि हर चीज एमबीए से जुड़ा हुआ है या फिर कोई बड़ा डिग्री चाहिए, बट काम करने के लिए डिग्री, एमबीए, ये सब सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज जो है ना, वो अंदर से आता है और वो एक कल्चर से बिलोंग करता है, ठीक है। अब ये सब बात क्या बोलूँ आपको, ये सब आप लोग आगे आगे ना अपने एक्सपीरियंस से ही समझ जाओगे कि पढ़ाई से ज्यादा एक्सपीरियंस काम आता है और इंटरनल लेवल ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट काम आता है। डिग्री सेकेंडरी है, सेकेंडरी लिख के रख लो। मतलब आपको मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप डिग्री ना लो, डिग्री तो आप तभी ले पाओगे जब आपके अंदर वो इंटरनल लेवल ऑफ नॉलेज रहेगा, लेकिन जिंदगी में डिग्री से ज्यादा काम आपका नॉलेज ही आएगा। डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, सेक्शन 40। अब ट्रांजिशंस के टाइम पे अगर गुड्स पे कोई गड़बड़ हो गया तो फिर गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंट प्लेस, डिस्टेंट मतलब दूर में कहीं देर, तो लाइबिलिटी फॉर ड्यूरेशन नेसेसरीली इंसिडेंटल टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट विल फॉल ऑन द बायर, दो द सेलर एग्रीज टू डिलीवर एट हिज ओन रिस्क। बात को समझे, हो सकता है कि सेलर एग्री कर रहा है कि मैं अपने रिस्क में सेल करूंगा, बट फिर भी बेसिक जो डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट में जो लाइबिलिटी क्रिएट होता है ना, वो बायर पे ही आता है। वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंट प्लेस, द लाइबिलिटी फॉर डिटोरिएशन नेसेसरीली इंसिडेंटल ऑफ द कोर्स ऑफ ट्रांजिट विल फॉल ऑन द बायर। मतलब ट्रांजिट में कोई भी लॉस या कोई किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है गुड्स पे, उसका जो डैमेज कॉन्सेप्ट है या लॉस बेयरिंग कॉन्सेप्ट है, वो उस बायर पे ही आता है। दो दी सेलर एग्रीज टू डिलीवर एट इज ओन रिस्क, हो सकता है सेलर अपने रिस्क में डिलीवरी करने का बात कर रहा है, फिर भी ही सोल्ड टू क्यू अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आयरन रॉड व्हिच वेयर टू बी सेंड बाय प्रॉपर वेसल, मतलब समुंदर में जो चलता है, इट वॉज रस्टेड बिफोर इट रीच द बायर। बायर तक पहुंचने से पहले वो जो गुड्स है वो उस पर बेसिकली रस्टेड इन द सेंस, अरे वो उस क्या बोलते हैं, मोर्चे, ठीक है, मतलब उसमें जंग लग जाता है ना, मतलब उसका क्वालिटी में हवा लग के जो होता है रस्ट गिर जाता है।
the rust of the rod was so minimal and was not affecting the merchantable quality, and the deterioration was not necessarily incidental to its transmission. It was held that Q was bound to accept the goods. Means try to understand rod Q. आपको मैं एक दूसरा example देता हूँ. मानो ये जो transporting concept है. अच्छा ये जैसे कि ये जो बस्ता आपको दिख रहा हो, ये जो अलग अलग goods load हो रहा हो, इसमें ग्लास का प्रोडक्ट भी हो सकता है. हेलो, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें ग्लास प्रोडक्ट भी हो सकता है, मतलब जिसको हम लोग कांच का मटेरियल बोलते हैं. रे बाबा, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलो. अरे होता है रे बाबा, थोड़ा सेफ्टी के साथ ये लोग ये सब चीज बनाया जाता है, बट ग्लास मटेरियल इज ऑल्सो देयर, मतलब जो थोड़ा सा फ्रेजाइल है, मतलब हल्का कुछ इधर उधर से टूट सकता है. नाउ क्वेश्चन इज दैट, मानो वैसा ही कोई ग्लास मटेरियल्स कोलकाता से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मानो कोलकाता से बिहार जा रहे हैं, ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज दैट, अगर रास्ते में दो चार ग्लास ग्लास मटेरियल्स का जो भी चीजें हैं, अगर दो चार ग्लास अगर ब्रोकन होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर दो चार ग्लास टूट जाएगा, क्या दुकानदार सेलर को बोलेगा कि आप टूटा हुआ सेंड किए, मतलब ब्रोकन चीजें सेंड किया आपने? क्या ऐसे बायर ऐसे बोलेगा सेलर को? सर बोल सकता है, लेकिन रीजनेबल वे में बोलना पड़ेगा. दैट मींस पहली बात, अगर सेलर बोलता है कि हम अपने रिस्क में पहुंचा देंगे, अगर कोई कुछ टूटेगा तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इन दैट केस सेलर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा. बट इन जनरल सिचुएशंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट. मानो कि टोटल 100 ग्लास में से, आउट ऑफ 100 ग्लास मटेरियल, अगर दो ग्लास मटेरियल टूटता है तो ये नॉर्मल लॉस कहलाता है. नॉर्मल लॉस मतलब होता ही है, ग्लास मटेरियल ट्रांसपोर्टिंग होगा तो बीच में दो चार तो टूटेगा. तेल, तेल का जो टीन होता है, तेल का जो डब्बा होता है, अगर तेल का डब्बा ट्रांसपोर्टिंग होता है ना, थोड़ा बहुत तेल का डब्बा लीक होता है, और लीक होके बेसिक जो लॉस है वो होता है, नॉर्मल लॉस है. नॉर्मल लॉस है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अगर एबनॉर्मल कुछ बातें हो गया, और अगर सेलर ने बोला था कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, तब हो सकता है लड़का. लेकिन जैसे कि नॉर्मल रॉड आया है, लोहा का रॉड है, बेसिक कुछ रस्ट पड़ना रॉड में हवा लग के नॉर्मल है. तेल आ रहा है तो तेल लीक होना नॉर्मल है, थोड़ा बहुत तो लीक करेगा. जैसे ये जो आ रहा है ना सर, ये सब चावल का बोरा है या फिर दाल का बोरा है, ठीक है, ये चावल डाल थोड़ा सा तो बस्ता लीक करेगा और गिरेगा भी. हो सकता है कि दो चार केजी गिर गया है गाड़ी के अंदर, गिरता है, नॉर्मल है. मतलब एक टन माल में दो चार केजी लीक करना नॉर्मल है. अब इसमें अगर बायर बोलेगा कि नहीं मेरा दो चार केजी भी नहीं लीक होना चाहिए, तब तो बात गलत हो जाएगी. तो किसी चीज में रीजनेबल लॉस जो है वो रीजनेबल या नॉर्मल जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है. इसका दिमाग थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के साथ कनेक्ट नहीं करेगा, वही बोलेगा ऐसा बात करेगा कि हम इसको नहीं लेंगे या नहीं, समथिंग लाइक दैट. बट जिसको वास्तव पता है, इसीलिए बोलते हैं सर बिजनेस करने के लिए आपको वास्तव ज्ञान होना चाहिए, क्या है ना सर. एसी रूम के अंदर बैठ के बिजनेस का डील करने से आपको समझ में नहीं होगा कि नॉर्मल हवा में क्या क्या हो जाता है, समझ रहे हो सर. जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, न्यू जनरेशन फेलियर हो जाते हैं. क्यों फेलियर क्यों होता है? न्यू जनरेशन को अगर वास्तव ज्ञान ना हो तो फेलियर ही होगा, क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं वास्तव में क्या चीज होता है और क्या नहीं होता है. डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, ओके. अच्छा, बायर राइट टू एग्जामिन द गुड्स, बायर का राइट है सर गुड्स को एग्जामिन करने का, परखने का. व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर हु हैज नॉट प्रीवियसली एग्जामिन्ड देम, ही इज एंटाइटल्ड टू रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग देम. अगर पहले उसने कुछ नहीं देखा तो एक्सेप्ट करने से पहले उसको एग्जामिन करने का पावर उनको है, इन ऑर्डर टू एसर्टेन वेदर दे आर इन कंफर्मिटी
मतलब कंफर्मली उसको लिया जाए या ना लिया जाए विद द कॉन्ट्रैक्ट, अनलेस अदरवाइज एग्रीड द सेलर इज बाउंड ऑन रिक्वेस्ट टू अफोर्ड द बायर अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स. अगर बायर पहले से चेक नहीं किया है तो एक्सेप्ट करने से पहले चेक करने का मतलब पूरा अपॉर्चुनिटी बायर को मिलेगा और मिलना भी चाहिए. समझे कि नहीं? तो ये था सर, ये बहुत वाइटल पॉइंट था डिलीवरी के बारे में. पार्ट डिलीवरी, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, डिलीवरी टू कैरियर, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, डिटेरियेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी, बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स, टाइम ऑफ डिलीवरी, गुड्स इन पोजीशंस ऑफ थर्ड पार्टी, सारा पॉइंट डिस्कस कर दिए विद सेक्शंस. ठीक है सर. रूल रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, सेक्शन 42. The buyer is deemed to have accepted the goods when he intimates to the seller that he has accepted them, or when the goods have been delivered to him and he does not does any act in relation to them which is inconsistent with the ownership of the seller. Samjha tha usko. Or when after the lapse of a reasonable time he returns the goods without intimating to the seller that he has rejected them. Try to understand sir, क्या हुआ यहाँ पर? Rule related to acceptance of delivery of goods, section 42 of sale of goods act. मतलब कैसे समझे कि goods का delivery हुआ है? मतलब goods जो delivery seller ने किया है उसका acceptance हुआ है, ये कैसे पता चले? Deemed का मतलब मान लिया जाता है. By default, the buyer is deemed to have accepted the goods when he intimates to the seller कि yes I received. Yes, I received to the seller that he has accepted. Or simple baat hai. Or when the goods have been delivered to him and he does any act in relation to them which is inconsistent with the ownership of the seller. Or when after the lapse of a reasonable time, matlab ek reasonable time chala gaya, he returned the goods without intimating to the seller that he has rejected. Matlab mano seller ne delivery kar diya. पर आपने एज ए बायर, बायर ने सेलर को कुछ नहीं बोला. एक रीजनेबल टाइम, दो दिन, चार दिन, एक हफ्ता निकल गया, बायर इज साइलेंट कि मैंने रिसीव किया ना, तो रिसीव किया ये बोला. और सबसे बड़ी बात, अगर तुमको रिजेक्ट करना था तो जल्दी जल्दी बोलो भाई कि मुझे रिजेक्ट करना है. जैसे एक सिंपल बात आपको करते हैं, मतलब सिंपल बहुत बातें होते हैं. आजकल ये सब ऑनलाइन ऐप होने के कारण मेरे को बताने में थोड़ा सुविधा होता है सर. क्या है ना, यहाँ पर बहुत सारा टर्म्स कंडीशन सेल ऑफ गुड्स का मुझे बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, तो जिससे ना मैं आप लोगों को जल्दी कनेक्ट करा सकता हूँ. ये मुझे अच्छा लगता है. आई डोंट नो आप लोगों को कितना अच्छा लगता है, पर मुझे सच में अच्छा लगता है. क्या लिया जाए, कोई भी एक चीज़, जूता ले लेते हैं सर. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, या क्या बोलते हैं, इंग्लिशतानी या हिंदुस्तानी. सर पे लाल टोपी वाली, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. हाँ, अच्छा जूता खरीदना है या नहीं है वो बड़ा बात नहीं है सर. जूता पसंद हो ना हो डजंट मैटर. मैं तो बस आपको एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ. अच्छा इसका रिटर्न पॉलिसी देखो तो क्या बोला है, 14 डे रिटर्न एंड एक्सचेंज. मतलब ये जूता आपने ऑर्डर किया माना मिंत्रा में, मिंत्रा ने आपको डिलीवरी कर दिया, तो डिलीवर्ड, ठीक है, मिंत्रा डिलीवर्ड कर दिया. सर आपको टाइम दिया है 14 डेज. अच्छा आप बोलेंगे कि मैंने पढ़ा नहीं. सर अगर आपने बिना पढ़ के ऑर्डर कर दिए ये आपका प्रॉब्लम है, बट सेलर ने सारा कंडीशन लिखा है ना, पे ऑन डिलीवरी माइट बी अवेलेबल, easy 14 days return and exchange, try and buy might be available. आजकल ये भी एक चल रहा है सर मार्केट में. कंपनीज किसी किसी प्रोडक्ट में ट्राई एंड बाई दे रहा है, मतलब डिलीवरी बॉय आपके घर के सामने वेट करेगा, आप संगे संग ट्राई करके देखेंगे, अगर जूता फिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप संगे संग रिटर्न करो, ट्राई एंड बाई. इसमें सुविधा ये है कि आपको रिटर्न जनरेट करने का जरूरत नहीं. You don't need to generate the return request. Try and buy में कभी किया आप लोगों ने ऐसा? Try and buy मतलब आपने ऑर्डर किया, नहीं हुआ, डिलीवरी बॉय को संगे संग रिटर्न कर दिए, किसी का एक्सपीरियंस है क्या?
अगर नहीं है तो कभी ट्राई करके देखना, ठीक है, संगे संग रिटर्न कर देना, डिलीवरी बॉय वेट करेगा आपके। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि 14 डे रिटर्न मानो आपने एक्सेप्ट की, ठीक है, मतलब 14 डेज के अंदर आपको रिटर्न करना है, तो व्हाट इज द पॉइंट हियर। अब मानो 14 डेज निकल गया, 14 डेज लैप्स हो गया, आपने कोई रिटर्न या रिजेक्ट रिजेक्ट रिक्वेस्ट जनरेट नहीं किया, तो मिंत्रा क्या मानेगा सर? मिंत्रा क्या मानेगा? आपने एक्सेप्ट कर लिया, यस और नो? हेलो, अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? है सर, यस सर, ठीक है, बस यही तो बात है। अच्छा, एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू टेक प्लेस व्हेन द बायर इंटीमेट्स विद द सेलर दैट ही हैड एक्सेप्टेड द गुड्स, डज इन एक्ट ऑफ द गुड्स व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर, और रिटेन द गुड्स आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट इंटीमेटिंग टू द सेलर दैट ही हैज रिजेक्टेड देम, इनमें से कुछ भी हो जाए तो गुड्स एक्सेप्ट हुआ ही माना जाएगा। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न अ रिजेक्टेड गुड्स सेक्शन 43 अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से कुछ नहीं हुआ है, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड इज रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम, अगर वो रिफ्यूज करता है उसको एक्सेप्ट करने में, हैविंग द राइट टू डू सो टू डू, मतलब ऐसा राइट है उनका, ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू द सेलर, बट इट इज सफिशियंट इफ ही इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम, अगर पहले से कुछ एग्रीमेंट में बना नहीं है, पर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम, हैविंग द राइट सो टू डू, ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू सेलर, बट इट इज सफिशियंट इफ ही इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, मतलब सिंपल बात है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक है, बट अगर वो रिजेक्ट करता है कोई पर्टिकुलर डिलीवरी एक्सेप्ट करने के टाइम पे, वो एक्सेप्ट भी नहीं करता है तो वो इंटीमेट करेगा कि नहीं हमको नहीं लेना है, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ ए बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, सेक्शन 44 बात करता है, लाइबिलिटी ऑफ द बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, व्हेन द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स and request the buyer to take delivery and the buyer does not within a reasonable time after such request take delivery of the goods, he is liable to the seller for any loss occasioned by his neglect or refusal to take delivery and also for a reasonable charge for the care and custody of the goods। देखो ये क्या केस हो गया, माने इसका माने क्या होता है, इसका माने ये है, सेलर आपके घर में, जैसे एग्जांपल देता हूँ, चलो कहानी किससे समझाने से समझ में आ जाएगा, मानो कि ये जूता मिंत्रा आपको डिलीवरी करने के लिए पहुंचा है, ठीक है, 40 मतलब आज अगर आप करते हो तो कब तक पहुंचा देगा, देखते हैं सर, 7 देख लेता हूँ कि कब तक पहुंचा देगा सर, फेब्रुअरी 27, ठीक है, दिस इज दी डेट जिसके अंदर मिंत्रा मुझे बता रहा है कि ये डिलीवरी कर देगा। नाउ 27 फेब्रुअरी को डिलीवरी बॉय मेरे घर के सामने आया और डिलीवरी करने के लिए रेडी हुई, बट मैं घर पे नहीं हूं, मैं घर पे नहीं हूं, या फिर मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए ना तो मैं गया या फिर मेरे कोई ऑथराइज्ड बंदे को भेजा एक्सेप्ट के लिए, ओके सर। नाउ पॉइंट इज दैट अगर मुझे ये जूता लेना है तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई आप ना ये अपने पास कुछ दिन रखो, मैं कुछ दिन बाद कोलकाता आके आपसे एक्सेप्ट कर लूंगा। नाउ पॉइंट इज दैट ये शूज अगर डिलीवरी बॉय के कस्टडी में या कंपनी के कस्टडी में रहेगा तो अगर कंपनी बोलेगा मुझे कि ठीक है आपको 27 फेब की जगह 27 मार्च को अगर चाहिए तो 1 महीना इसे हमारे पास रखना पड़ेगा, बट उसका रेंट लगेगा, हो सकता है कि 100 रुपीज एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, अगर वो कंपनी ऐसा मुझे बोलता है कस्टडी रखने के लिए तो मुझे देना पड़ेगा, अगर मैं राजी हूं तो ठीक है, मतलब बात यही है कि अगर मेरे डिले करने के कारण एक्सेप्टेंस के कारण सेलर को कोई एक्स्ट्रा खर्चा बेयर करना पड़ता है या कोई लॉस बेयर करना पड़ता है तो वो एक्स्ट्रा लॉस या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस सेलर बायर से रिकवर कर सकता है। अगर बायर को लेना है, अच्छा अगर बायर को लेना नहीं है तो रिजेक्ट कर दे, ठीक
ठीक है, लेकिन सर क्या है ना, आपने पेमेंट कर दिया लेने के लिए और फिर आप बोल रहे हो मुझे लेना है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसके कारण सेलर को जो भी लॉस होगा, जो भी एक्सपेंस एक्स्ट्रा बेयर करना पड़ेगा, वो तो बायर को भुगतना पड़ेगा ना सर। तो लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निगलेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, उसके लिए जो भी लॉस होगा वो लॉस भरपाई बायर को करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आया सर। हेलो, सेल ऑफ गुड्स के अंदर डिलीवरी ऑफ गुड्स रिलेटेड बातें समझ में आया कि नहीं आया, मुझे इतना बताइए सर। यस सर, यस सर, है सर। ठीक है, तो ये सब डिलीवरी के बारे में होता है। अब आप लोग को घर के एक काम दे रहा हूँ सर, नोट्स अगर नहीं है तो मेरे से कलेक्ट कर लो, और आप अपना नॉलेज को टेस्ट करने के लिए यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन ही नहीं है सर, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी है, तो आप ये भी काम करो, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उससे भी प्रैक्टिस करो। जैसे एक क्वेश्चन आपको साथ में थोड़ा बात कर दो, एक क्वेश्चन, एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना होता है वो भी बताता हूँ। क्वेश्चन दिया है सर, नेमो दैट को नॉन हैबिट, मतलब नेमो दैट को नॉन हैबिट क्या होता है, नन कैन गिव और ट्रांसफर गुड्स बट ही डज नॉट हिमसेल्फ ओन, जो आपका नहीं है वो किसी और को आप नहीं दे सकते। बात तो सही है, जो आपका नहीं है वो आप कैसे किसी को दे सकते हो। नन कैन गिव और ट्रांसफर गुड्स विथ व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ ओन, एक्सप्लेन द रूल एंड द स्टेट एंड स्टेट द केसेस इन विच द रूल डज नॉट अप्लाई अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेमो दैट को नॉन हैबिट। अच्छा, अब इसमें आपको लग रहा होगा सर ये नेमो दैट को नॉन हैबिट का कौन से लैंग्वेज है, हाँ क्या क्या लैंग्वेज, हमारे देश में इतना सारा लैंग्वेज है, उसके अंदर तो नहीं लग रहा है। नहीं सर, उसके अंदर नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, तो फिर लैटिन है सर, लैटिन, लैटिन बोलो, लातिन बोलो, हाँ लैटिन लैंग्वेज है सर। रोम का लैंग्वेज को लैटिन लैंग्वेज कहा जाता है, पुराने रोम में ये लैंग्वेज यूज किया जाता था, और ब्रिटिश लोग जब लॉ को कंपाइल किया तब उन्होंने अपने लॉ के अंदर भी, मतलब एक्चुअली नॉट जस्ट इन ब्रिटिश लॉ, मतलब इंग्लिश लॉ, मतलब थ्रू आउट द यूरोप जितना भी लॉ बना है, हर एक लॉ में मोटा मोटी आपको रोमन कल्चर का इफेक्ट नजर आता है। ठीक जैसे भारत में हर एक भाषा के अंदर आपको संस्कृत का इफेक्ट नजर आता है, चाहे आप बंगाली बोलते हो, चाहे आप उड़िया बोलते हो, चाहे आप बिहारी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो, कन्नड़ बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, तमिल बोलते हो, आपको संस्कृत हर भाषा में, एक्चुअली संस्कृत का इफेक्ट हर लैंग्वेज में नजर आता है, हर लैंग्वेज में इफेक्ट, पूरा का पूरा इफेक्ट थोड़ा बहुत में। हाँ कुछ लैंग्वेज समय के साथ साथ थोड़ा मिक्सडअप हुआ है, जैसे उर्दू जो ईरानी और हिंदी मिक्सडअप करके हुआ है, ईरान का लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों मिक्स करके उर्दू बन गया, इसमें अरबी नहीं है ना, कुछ कुछ अरबी हम लोग यूज करते हैं क्योंकि वो इस्लामिक इन्वेशन के बाद से ये थोड़ा सा हुआ है अरबी को पढ़ने का, नहीं तो अरबी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं था, वो उर्दू के अंदर कुछ कुछ अरबी आ जाता है, बट ओरिजिनल जो उर्दू है दैट इज बेस्ड ऑन ईरानी एंड हिंदी, और हिंदी है मतलब संस्कृत भी है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे इंग्लिश में आपको, आपको मैं लैंग्वेज का इफेक्ट दिखाता हूँ क्या क्या है। इंग्लिश में जो गो 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 शब्द कहाँ से आया है आप लोग बता सकते हो मुझे, एक छोटा सा सवाल है। इंग्लिश में गो का मतलब है, मतलब है जाना, ये गो शब्द कहाँ से आया है, एनीवन कोई आइडिया है सर? सर हम लोग हिंदी में या बंगाली में या संस्कृत में बोलते हैं गोचर, गोचर समझते हो, मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूं उसको, गोचर, गोचर करना मतलब जाना, ऐसे आप सुनोगे कभी कभी ऐसे बोलते हैं गोचर कर रहे हैं, मतलब सूर्य गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा गोचर कर रहे हैं बोलते हैं पुरानी भाषा में, तो इवन बंगाली में भी चलता है, हिंदी में भी बोलते हैं गोचर करना, तो गोचर से गो आया है। ऐसे बहुत सारा चीजें हैं जो संस्कृत से आया है, आप सोच भी नहीं सकते।
बैठ के बात करेंगे ना, सिर्फ भाषा में ही बात हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते कहाँ से कहाँ आ गया। इंग्लिश का कितना सारा लैंग मतलब लाइन है जिसे संस्कृत से लिया गया, मतलब इवन लैटिन में भी। छोड़ो सर, भाषा का इफेक्ट बताने बैठो तो एक अलग क्लास लगेगा, ठीक है? मतलब अब उस भाषा में नहीं चलते। तो नेमो दैट टू नॉन हैव इट, नन कैन गिव और ट्रांसफर गुड्स बट ही डज नॉट। जैसे मैं बस इतना बताने का कोशिश कर रहा था कि इंग्लिश लॉ के अंदर लैटिन का बड़ा ही इफेक्ट है, ठीक है? क्योंकि रोमन एम्पायर बहुत पावरफुल था और उसी का इफेक्ट यूरोप में पड़ा है, इसी यही हिस्टोरिकल रीजन है, और इसलिए हम लोगों को भी लॉ पढ़ने के टाइम पे पढ़ना पड़ता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, इसका जवाब कैसे देना? एक्सेप्शन टू द रूल नेमो दैट टू नॉन हैव, द टर्म मींस नन कैन गिव और ट्रांसफर गुड्स बट ही डज नॉट हिमसेल्फ ओन। एक्सेप्शन टू द रूल एंड द केसेस इन व्हिच द रूल डज नॉट अप्लाई अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो हमें पूछा गया है 1930, क्या क्या है? अच्छा, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल मेड बाय मर्केंटाइल एजेंट। अच्छा, एजेंट का तो नहीं होता है गुड्स, लेकिन फिर भी वो ट्रांसफर कर सकता है अपने ओनर के बिहाफ से। तो आपको बस वही पूछा है कि आप इतना बता दो कि जो आपका नहीं है आप बेच सकते हो, लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशंस बहुत बताओ आप। तो इसलिए बोलते हैं सर, सेल मेड बाय मर्केंटाइल एजेंट, मतलब मर्केंटाइल एजेंट मतलब नॉर्मल जिसे हम एजेंट कहते हैं उसे इंग्लिश में कंप्लीटली मार्केंटाइल एजेंट कहते हैं। मार्केंटाइल मतलब बिजनेस, मार्केंटाइल मतलब बिजनेस, बिजनेस एजेंट। अ सेल मेड बाय मार्केंटाइल एजेंट ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स वुड पास अ गुड टाइटल टू द बायर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। जैसे इफ ही वाज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट व्हिच द कंसेंट ऑफ द ओनर, ओनर के कहने पे जब एजेंट सेल कर रहे हैं तो कर सकता है, बट भले ही वो उसका ओनर ना हो। If the sale was made by him when acting in the ordinary course of business as a mercantile agent, वो actually agent के तौर पे काम करने के लिए आया है, ठीक है? तो किसी और का product वो बेच सकता है, ठीक है? If the buyer had acted in a good faith and has at the time of contract of sale no notice of the fact that the seller had no authority to sell, अगर सेलर के मतलब अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं बनाए कि सेलर का सेल करने का अथॉरिटी नहीं है, पर बायर भी एकदम सही विश्वास के साथ खरीद रहा है सेलर से, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, तो अगर ओरिजिनल ओनर ना भी सेल कर रहे तो भी उस सेल को सेल माना जाएगा। तो मार्केंटाइल एजेंट मींस एन एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस और एज सच एजेंट अथॉरिटी आइदर टू सेल गुड्स, मतलब जिसके पास किसी और के बिहाफ में गुड सेल करने का अथॉरिटी हो और टू कंसाइन करने का पावर हो। कंसाइनमेंट अकाउंट्स आप लोग पढ़ते हो, कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल और टू बाई गुड्स और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, ऐसा कुछ भी करने का पावर जिसके पास हो किसी और के बिहाफ में तो वो कर सकता है। तो हमें यहाँ पर जो पूछा गया था हमने उसका जवाब दिया कि सेल बाय मार्केंटाइल एजेंट हो, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, सेल बाय वन वन ऑफ द जॉइंट ओनर, मतलब अगर कोई जॉइंट ओनर सेल कर रहा है तो उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर ऑफ द गुड्स हैज द सोल पोजेशन ऑफ देम विद द परमिशन ऑफ द अदर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मे बी ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन हु बाइज देम from such a joint owner in good faith and does not at the time of contract of sale have notice that seller has no authority to sell। मतलब एक चीज का joint family में बहुत सारा owner है, अब कर्ता को पता नहीं है शायद, ठीक है? मतलब original owner बहुत सारा है तो उसमें से कुछ joint owner sale कर रहा है और buyer जो है good faith के साथ उसको buy कर रहा है तो वो कर सकता है। अगर कोई problem create नहीं होता है तो जो चीज आपका अकेला का नहीं है फिर भी आप सेल कर रहे हो तो इसे वैलिड माना जाता है, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो ठीक है, लेकिन बायर तो गुड फेथ में कर रहा है ना, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है। सेक्शन 28 में इसके बारे में ऑलरेडी बात करके रखे, सेल बाय ए पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ए बायर वुड एक्वायर अ गुड टाइटल टू द गुड सोल्ड टू हिम बाय सेलर हु हैड ऑब्टेन पोजीशन ऑफ द गुड्स अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ कोअर्शन फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशंस और अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रोवाइडेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैड नॉट बीन रिसाइंडेड अंटिल द टाइम ऑफ द सेल। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, सेल बाय ए पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी को जबरदस्ती कोई भी चीज बेचना, जबरदस्ती बेचना समझते हो सर? जबरदस्ती बेचना मतलब किसी को डरा के धमका के बंदूक के नोक के नीचे, ठीक है? तो क्या बोल रहे हैं सर, सेल बाय ए पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बायर वुड एक्वायर अ गुड टाइटल टू द गुड्स सोल्ड टू हिम बाय सेलर who had obtained possession of the goods under a contract voidable on the ground of coercion, मतलब वो किसी और से लिया है coercion के थ्रू से,
फ्रॉड के जरिए, मिसरिप्रेजेंटेशन के जरिए और अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए, प्रोवाइडेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैड नॉट बीन रिसाइंडेड, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है अंटिल द टाइम ऑफ द सेल, सेल होने से पहले अगर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सामने नहीं आता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो वो सेल को वैलिड माना जाएगा भले ही वो आपका ओनरशिप में ओरिजिनल में हो या ना, वैलिड माना जाएगा। फिर बाद में ओरिजिनल ओनर कौन है, कौन जबरदस्ती कर रहा है, कौन मारपीट करके दे रहा है, वो बाद में देखा जाएगा, बट हो सकता है। इसके बारे में हम लोग सेक्शन 29 में बात किए थे, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यू इन पोजीशन देयर, इफ ए पर्सन हैज सोल्ड गुड्स बट कंटिन्यूज टू बी इन पोजीशन ऑफ देम और फॉर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू देम, ही मे सेल देम टू अ थर्ड पर्सन, एंड इफ सच पर्सन ऑब्टेन द डिलीवरी देयर ऑफ इन गुड फेथ विदाउट नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल, ही वुड हैव गुड टाइटल टू देम, although the property in the goods had passed to the first buyer earlier, a pledge or other deposition of goods or documentation of title by the seller in possession are equally valid. Matlab bas itna kehna cha raha hai, sale by one who has already sold the goods but continuing possession there, ek banda jo already goods ko sell kar diya hai but goods uske possessions pe abhi bhi hai, matlab mano a ne b ko goods sell kar diya but a ke paas goods abhi bhi possessions mein hai, to wahi baat kar raha hai, एक्चुअल ओनर भी है बट गुड्स का पोजीशन अभी भी ए के पास है, तो ओरिजिनल ओनर ना होने के बाद भी ए किसी और को गुड्स का डिलीवरी कर सकता है, ये एक्सेप्शनल है। इफ ए पर्सन हैज सोल्ड गुड्स बट कंटिन्यूज टू बी पोजीशन ऑफ देम ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू देम, या तो गुड्स उसके पास है या तो गुड्स का डॉक्यूमेंट उसके पास है, ही मे सेल देम टू अ थर्ड पर्सन एंड इफ सच पर्सन ऑब्टेन्स द डिलीवरी देयर ऑफ इन गुड फेथ विदाउट नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल, ही वुड हैव गुड टाइटल टू देम although the property in the goods had passed to the first buyer earlier, ठीक है, हो सकता है कि ये B के पास ही पहले गया है, तो ऐसे केसेस में B का opinion मायने रखता है, लेकिन A कर सकता है, a pledge or other deposition of goods or documents of title with the seller in possession are equally valid, तो मतलब ये कहना चाहा यहाँ पर कि जो मेरा नहीं है वो normally मैं किसी को नहीं दे सकता, मेरा right नहीं है उसमें जो मेरा नहीं, but there are certain exceptional situations जहां पर मैंने ये देखा, हम लोगों ने ये देखा कि जो मेरा नहीं है फिर भी हम उस पर अपना अधिकार रख सकते हैं। बात समझ में आया सर? बोलो। सिमिलर और भी पॉइंट है, सेल बाय ए बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम, सेल बाय एन अनपेड सेलर, सेल अंडर ए प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट, ये सब मैं बोल दिया पहले ही, ये सब डिस्कशन हो चुका है, बस आप लोगों को ना ठीक ठाक करके एक बार पढ़ना है। अगर आप लोग ठीक से पूरा प्रोविजंस को पढ़ते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप उसका जवाब दे पाओगे, बट अगर आप पढ़ोगे नहीं ठीक से तो जवाब नहीं दे पाओगे। एक काम करता हूँ, इन आवर नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन जो रहेगा उस पर सेल ऑफ गुड्स का लास्ट पॉइंट मैं बात करूंगा, अनपेड सेलर के बारे में, मतलब जो सेलर गुड्स को सेल कर दिया बट उसका पेमेंट पूरा नहीं हुआ तो उनको कैसे अपना अधिकार मिलता है, ये चर्चा करेंगे सर। अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स और अगेंस्ट बायर, इनको क्या राइट है, जो सेलर गुड्स तो बेच दिया पर पेमेंट नहीं मिला, बहुत चिंताजनक बात है, तो उनके साथ क्या क्या बर्ताव होता है, ये चर्चा मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करूंगा विथ क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस। अगर ये डिस्कशंस हो जाए तो मुझे लगता नहीं कि सेल ऑफ गुड्स आपको कभी तंग करेगा, सेल ऑफ गुड्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सर, अगर अच्छे से सुनते हो क्लास को और अगर अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। फिर हम लोग न्यू चैप्टर में जाएंगे, पार्टनरशिप वगैरह ये सब चीज में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज इतना ही है सर। हेलो, बोलो सर, समझ, ओके सर, टाटा बाय, रखिए सर।